बिहारी लाल की जय। इसलिए जब नीचे आया देखा वहां तो धूल उड़ रहा है और सारे ब्रजवासी आनंद में होली खेल रहे हैं और ठाकुर जी को दर्शन करते हुए बड़ा प्रसन्न है। जब उसने वापस गया इंद्र ने पूछा क्या ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश क्या तेरा ही सत्यानाश है। बोले मतलब, बोले जिसको तुम साधारण बालक समझ रहा था मैंने देखा कनिष्ठ अंगुलों के ऊपर में उन्होंने गिरिराज उठा करके धारण किया और ब्रजवासी तो वहां ब्रज में धूल उड़ रहा था। ब्रजवासी तो बड़े प्रसन्न है कृष्ण को दर्शन करते हुए कीर्तन कर रहे और होली मच रहा था। इंद्र ने ध्यान किया ये बच्चा है कौन। ध्यान करके देखा भैया ये तो मेरे प्रभु है जो इंद्रपद को कहते बलि ने छीन लिया था। ठाकुर ने कृपा करके मेरे को दो बार इंद्रपद उन्होंने ही दिया ये तो मेरे प्रभु है। सोचा लगता है मेरा इंद्रपद ही गया। इंद्र अपना सची को साथ में जब उसने विश्राम करने के लिए गया उसको नींद नहीं आई। फिर उसने अपना गुरुजी बृहस्पति को पास में गया। बोले गुरुजी मेरे से बड़ी गलती हो गई मेरे को पता नहीं चला ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक है बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले फिर बोले चलो पितामह ब्रह्मा को पास में वो कुछ कर सकते। जब ब्रह्मा जी को पास में गए ना ब्रह्मा जी ने कहा तुमने सर्वनाश कर दी ये कृष्ण ऐसे एक अवतार है ना 33 करोड़ देवता जिनकी चरण में नाक रगड़े। मैं भी कुछ दिन पहले बड़ी बुरी तरह से फंस गया था। बोले आप भी फंस गए थे। बोले हाँ। बोले कैसे। बोले कृष्ण जब उन्होंने अघासुर को मारे भयंकर राक्षस था जिनको देवता लोग डरते थे कृष्ण खेल खेल में उसको मार दिए तो इतने में देवता लोग जयकार दिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब लोग कोई जय कोई है बोल रहे हो जोर से बोलो भगवान की जितने जोर से जय दोगे ना शास्त्र कहता है अपना जय होता है सारे पाप कट जाती है क्योंकि ठाकुर जी के नाम की जय दे रहे हो ना मंगल भवन अमंगल हरि। जोर से बोलो बोले श्री बांके बिहारी लाल की। ये जय ध्वनि धीरे धीरे ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा भैया ये ब्रज में इतनी जय जयकार क्यों हो रही है। इतने में ब्रह्मा जी उतर करके आए देखा कृष्ण का उम्र कितना 5 साल का था भयंकर राक्षसों को उन्होंने मार डाली और उसका ज्योति आकर के कृष्ण की शरीर में समा गया। इंद्र बोले भैया ये क्या है ये ब्रह्म ज्योति इसकी शरीर में समाया क्यों ये बालक है कौन। जब कृष्ण सखाओं के साथ में जमुना किनारा में बैठ करके भोजन कर रहे थे कृष्ण बीच में बैठे हुए सारे सखा लोग घिर करके बैठे सारे एक एक सखाएं हजार करोड़ सखाएं बैठे कोई घर से मालपुआ कोई पकोड़ा कोई दूध चावल कोई दही चावल
बड़े सुंदर सर पकवान लाए थे, लेकिन सबके सब कृष्ण को पहले खा करके बोले कन्हैया मेरी मैया ने ना बड़ा सुंदर मालपुआ भेजो है। बोले तू अकेले खाओगे, मेरे को नहीं दोगे। कृष्ण सब जो छीन छीन कर खा रहे थे, देखो बोले कृष्ण तो एक सखा तो हजार कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है सब सखा देख रहे थे कृष्ण हमारे साथ में। क्यों? कृष्ण ईश्वर है, वो अनंत करोड़ रूप धारण कर सकते हैं। सब सखा देख रहे थे कृष्ण मेरे पास में ही कृष्ण बैठे हुए हैं। एक सखा ने बड़े सुंदर छांच लाया था, बोले कन्हैया मेरे मैया बड़े सुंदर छांच भेजो है। कृष्ण ने कहा तू अकेले पियोगे, मेरे को नहीं पियोगे। वो जो मटकी में दिए था ना, वो मटकी को लेकर खेचातानी होना शुरू हो गई। करते करते वो सखा ने जो जोर जबरदस्ती पी रहा था, वो खेचातानी में वो छलक करके वो छांच गिर पड़ा सखा की छाती के ऊपर में। कृष्ण तो जीवा लगा कर चाट रहे थे। बोले वाह बड़े सुंदर चोखो छांच हो, तू अकेले पी रहा था। ब्रह्मा जी को तो दिमाग खराब। बोले भैया ये कैसे भगवान है? कहते ब्रह्मा किसके पूजा करने वाले? बोले नारायण की। बोले नारायण की जो उपासना होती है वो ऐश्वर्य बुद्धि से। सबके सब नारायण के भक्त भगवान को ईश्वर मानते हैं, अपने आप को सेवक मानते हैं, लेकिन ब्रज में देखो कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। कोई मानते हैं हमारी सखाएं, कोई मानते हैं हमारी बेटा है, कोई मानते हैं हमारी प्रियतम है। वैकुंठ में सबके सब नारायण की सेवा करते हैं, लेकिन ब्रज में कृष्ण सबके सेवा करते हैं। उल्टा, क्योंकि प्रेम नदिया की सदा उल्टी वह धार। ब्रज में तो यहाँ पर भगवान को माधुर्य रस में सेवा होती है, यहाँ पर कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानते। ब्रह्मा तो चक्रा गए हे भगवान, ये कैसे ठाकुर छुटन फुटन के भी जिसको पतो ही ना। इतने में आगे लीला देखने के लिए उन्होंने कृष्ण के बछड़े को चोरी की। कन्हैया हमारे बछड़े कहाँ गए? कृष्ण बोले तुम बैठो मैं देखता हूँ। जब उनको ढूंढने के लिए गई, इतने में ब्रह्मा जी सारे सखाओं को भी चोरी करके गुफा में सबके सब उन्होंने सखाओं को उन्होंने बंद कर दिया। अंदर में बंद करके ब्रह्मा कृष्ण बोले भैया गए कहाँ? इतने में उनको जोग माया ने स्मरण कराया। कृष्ण ये ब्रह्मा तुम्हारी लीला को समझ नहीं पाए, इसलिए ये बछड़े और सखाओं को उन्होंने चोरी की है। इतने में कृष्ण ने अपना शरीर से जैसे बछड़े सखा थे ना, कृष्ण ठीक वैसे ही सृष्टि की। जब उन्होंने ब्रह्मलोक में पहुंचे, पहुंचने से पहले कृष्ण ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में चले गए। जो दरुआन थे बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, अगर कोई आए ना उसको घुसने मत दिया करना। जब ब्रह्मा वहां पर पहुंचे, कृष्ण ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मा का आसन पर बैठ गए। जब असली ब्रह्मा गए ना, उसका जो नौकर लोग थे डंडे लेकर के तो ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। बोले हमारे प्रभु सही कह रहे थे, अरे हमारा प्रभु तो अंदर में बैठे, सौ रुपया कहां से आ गया? उन्होंने तो वहां से भागे। बोले भैया मेरे नौकर लोग मारे को मारने के लिए खदड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी गए और आए और इस जगत में हो गया, एक साल इस जगत में हो गया। फिर देखे कृष्ण एक साल पहले जैसे लीला कर रहे थे, अभी भी कृष्ण वैसे ही कर रहे हैं। फिर तो ब्रह्मा चकरा गए। बोले भैया मैं तो उनको कंदरा में बंद करके रखा। फिर वहां गए, देखा वहां पर भी वैसे लीला हो रही है, वहां भी सोए हुए, यहां भी। एक साथ में उन्होंने दोनों तरफ में देखा, उनकी चार सर है, इधर दो सर और इधर दो सर। देख करके जब देखा, फिर उनको बताए देखो ब्रह्मा मैं कौन हूं। जितने बछड़े सखा थे ना, सबके सब चतुर्भुजधारी, सबके सब नारायण नारायण नारायण, समझ गए ये मेरे बाप का बाप का बाप का भी बाप। देखो अच्छे तरह से एक चीज को समझो, ये ब्रह्मा जब भगवान की चरण में प्रणाम करके उठे, ब्रह्मा जो पहला श्लोक कहते हैं, देखो ये चीज को समझ लो, कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं। ये ब्रह्मा स्वयं कहते, ब्रह्मा को दुनिया को जो सृष्टि करने वाले, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादि रादि गोविंद
सर्व कारण कारणम। बोले हे प्रभु आप ईश्वर हो। बोले भैया ईश्वर का डेफिनेशन क्या है? बोले अकर तुम कर तुम अन्यथा कर तुम ज सक्य थे सब ईश्वर। बोले हे को नहीं, नहीं को जो हे कर सकते हैं, मरे हुए व्यक्ति को जो जिंदा कर सकते हैं, दिन को रात और रात को जो दीन कर सकते हैं। आप लोग महाभारत देखे होंगे, जब जय जिस समय अभिमन्यु की व्रत बध हो गई, अर्जुन सुन करके बड़ा कष्ट मिला उसको। बोले कल सूर्यास्त से पहले ये जयद्रथ को मैं बध करूंगा। लेकिन युद्ध करते 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 द्रोणाचार्य ऐसे चक्र व्यूह रचना की, देखा किसी तरह से जयद्रथ को पास में पहुंच नहीं सकते हैं। इतने में कृष्ण ने क्या किया, झट उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, उन्होंने दीन में ही रात कर दिया, दीन को ही उन्होंने रात कर दिया। इतने में जयद्रथ आया। बोले अर्जुन अभी अग्नि में अपना हाँ, अपना शरीर को त्याग देगा। इतने में कृष्ण चक्र को हटा दिए। बोले रात नहीं फिर दीन है, इसलिए कहते जो दीन को जो रात और रात को जो दीन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बोले मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण ब्रज में उन्होंने अपना लीला में तीन बार उन्होंने मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया। आप बता सकते हो कहां कहां पर किया? जिस समय कृष्ण अपना गुरु गृह में पढ़ने के लिए गए थे, इन्होंने 64 दिन में 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन की। गुरुजी शांति बने ऋषि। आप देखना कोई सीए करते हो, कोई इंजीनियरिंग करते हो, कोई डॉक्टरी करते हो, एक सब्जेक्ट को भी सारा जीवन में पढ़ पढ़ करके खत्म नहीं कर पाते। लगे तुम्हें जितने विद्या आर्ट है, कहते 64 64 तरह का विद्या। कृष्ण ने एक एक दिन में उन्होंने एक एक विद्या को 64 दिन में सारे विद्या को अध्ययन कर लिए। गुरु जी तो बोले भैया ये कोई साधारण बालक नहीं होगा, मैं एक दिन इसको एक सूत्र देता हूं, ये दूसरे दिन सूत्र वृत्ति टीका को साथ में इतना बोलता, भैया मेरे को भी बता नहीं। उन्होंने अपना पत्नी को बोले देखो ये जो कृष्ण बलराम है ना, ये कोई बालक नहीं लगते, लगता ही भगवान है। क्योंकि एक बच्चा आता है जिंदगी भर पढ़ करके भी एक विद्या को समाप्त नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने 64 दिन में 64 विद्या को पढ़ी, लगता ही ये भगवान है। देखो इसको हम परीक्षा करके देखेंगे। बोले क्या परीक्षा करोगे? कि जो भगवान है ना वो असंभव का संभव कर सकता है, मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता है। हमारा बच्चा बचपन में मर गया, जब ये गुरु दक्षिणा मांगेगा बोलेगा, वापस जाते समय हम बोलेंगे अपना मरे हुए बच्चे को तुम वापस दो। जो उन्होंने मांगे, कृष्ण कहां पर गए? जमपुरी में गए, और वहां कृष्ण शंख बजाया तो जम स्वयं काल कांपते 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 आया। बोले क्यों? लगता है मेरा नंबर आ गया। क्योंकि उन्होंने इंद्र की अभिमान को तोड़े, ब्रह्मा की अभिमान तोड़े, 33 करोड़ अभिमान को उन्होंने तोड़े। बोले लगता है मेरा ही बारी आ गया। उन्होंने कांपते कांपते आए, प्रभु को आरती उतारे, चरण धोए। बोले प्रभु क्या आदेश है? बोले गुरु जी का पुत्र को वापस दो। उन्होंने जमपुरी से मरे हुए पुत्र को उन्होंने वापस लाए। अभी ये चीज जब देवकी को पता चला मेरा बेटा गुरु दक्षिणा रूप में मरे हुए बच्चों को उन्होंने वापस लाए, बोले लाला मेरा भी बचपन में कंस ने 6-6 बच्चों को मार डाला है, मेरे मन में भी इच्छा है अपना बच्चों को देखना। बोले मैया कोई चिंता मत करो, अभी मैं बच्चों को लाता हूं। कृष्ण फिर उन्होंने जमपुर से 6 बच्चों को वापस ले आए। मैया जसोद देवकी इतने खुश हो गई, इतने खुश हो गए। बोले मरे हुए मेरे बेटे को वापस लाए। द्वारका में जो प्रभु लीला कर रहे थे, एक ब्राह्मण था, उसकी बच्चा जन्म होते ही वो बच्चा मर जाता था, बच्चे जन्म होते ही मर जाता था। एक दिन राज दरबार में सभा बैठा हुआ था, जिसमें अर्जुन बलदेव कृष्णा प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये सब के सब वहां पर बैठे हुए। इतने में वो ब्राह्मण का जो बेटा मरा गया, वो मरे हुए बेटे को ला करके कृष्ण को सामने रख दिया। बोले कृष्ण तेरे अधर्म की वजह से लगता है मेरा बच्चा मर रहा है। राजा अगर पाप कर्म करे तभी इसके देश में इतने अनहोनी होती है। जब ये बात को बताया ना, वहां पर अर्जुन बैठा हुआ था, अभी कृष्ण का अपमान को कैसे सहन करे। बोले देख ब्राह्मण
इस बार जब तेरे बच्चे जन्म होने का होगा ना, मैं तेरे बच्चे को रक्षा करूंगा। ब्राह्मण बोले, तू हिजड़े क्या तू रक्षा करोगे? जहां पर स्वयं कृष्ण है बांके बिहारी, जहां पर स्वयं दाऊ भैया बैठे हुए, प्रद्युम्न अनिरुद्ध बैठे हुए, जब ये कुछ नहीं कर, तू क्या कर सकते हो? अर्जुन को तो ताव आ गया। बोले, मैं कृष्ण नहीं, मैं प्रद्युम्न नहीं, बलदेव नहीं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। अगर इस बार तेरे बच्चों को मैं रक्षा नहीं कर पाया ना, मैं बोलता हूं अग्नि में अपना शरीर को मैं त्याग दे दूंगा। केवल एक ही काम करना, जन्म होने से पहले मेरे को सूचित कर देना। अभी पत्नी की प्रसव का पीड़ा हो रही है, अभी बच्चा जन्म होने वाले, भागते भागते आए। बोले, अर्जुन जल्दी जल्दी आओ, अभी मेरा बच्चा जन्म लेने वाले। अर्जुन वहां पर गए, अपना गांडी भी लेकर और ऐसे बाण मारे, सूती का गृह को ऐसे बंद कर दिए, उसके अंदर में हवा जाने का भी ताकत नहीं। स्वयं धनुष लेकर के दरवाजा पर खड़े हो गए, क्योंकि अर्जुन साधारण नहीं। बोले, देखता हूं कौन बच्चे को लेने के लिए आता है। हर बार क्या होता था, बच्चा तो मरता था लेकिन शरीर बड़ा रहता था, लेकिन इस बार ऐसे हुआ, बच्चा जन्म हुआ। केवल एक बार रोने की आवाज मिली, शरीर समेत गायब। इतने में ब्राह्मण अर्जुन को इतने गाली दिए, बोले, हिजड़े, जो काम को कृष्ण नहीं कर पाए, बलदेव नहीं कर पाए, बोले, तू करोगे? हर बार तो मेरा बच्चा का मरा हुआ शरीर रहता था, इस बार तो शरीर समेत कहीं गायब हो गए। लेकिन अर्जुन तो साधारण है नहीं, अर्जुन जो साधन में बैठ गया, अपना दिव्य दृष्टि से ढूंढा कहां गया। उन्होंने भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक तक उन्होंने ढूंढा, अतल बीतल तलातल पाताल महातल तक उन्होंने ढूंढा, कहां है, लेकिन कहीं मिला ही नहीं, कहीं भी बच्चा नहीं मिला। इतने में बोले, भैया, तेरे बच्चे को मैंने रक्षा नहीं कर पाया, उन्होंने अग्नि जलाया, अपना शरीर को त्याग देगा। इतने में कृष्ण कहा, आप कोई चिंता मत करो, आओ मेरे साथ में। फिर कृष्ण को, अर्जुन को कृष्ण लेकर कहां गए? उन्होंने गए भगवान को पास, नारायण को पास में गए। नारायण को पास में जाकर के जब गए ना, नारायण इतने प्रसन्न, इतने खुश हो गए। बोले, प्रभु, मैंने क्यों ये बच्चों को चोरी की है? आप इतने सुंदर हो, आप इतने सुंदर हो, हैं? इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को ताना मारती हैं, नंदलाला, तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करण की। अच्छा क्या परमात्मा ने तेरे को लाली नहीं बना, लाला बना दी। इतने तू सुंदर, इतने तू सुंदर हो, अगर लाली बनता ना, पता नहीं विश्व ब्रह्मांड तेरे लिए युद्ध करते करते सब मर जाते। इसलिए कृष्णा बोले, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष सबब, कहते करोड़ काम देव जी के चरण में मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण सुंदर है। इसलिए कहते हैं ना, बांके बिहारी की देखे छटा मेरो मन है गयो टापटा, कृष्ण बोले, हे प्रभु, नारायण के बोले, हे प्रभु, केवल तुम्हारी ये रूप को दर्शन करने के लिए मैंने ये बच्चों को चुराया था, प्रभु मेरे अपराध माफ कर दो। लो, ये सारे बच्चों को, उनका जितने बच्चे मरे थे, भगवान सारे मरे हुए बच्चों को कहां से, बोले उन्होंने वैकुंठपुर से सारे बच्चों को ला करके इन्होंने ब्राह्मण जी को दी। ब्राह्मण इतने खुश हो गए, बोले सारे मेरे मरे हुए बच्चे को। देखो ये चीज को समझो, कोई थोड़ा जादू टोना दिखा दिए, कोई थोड़ा नौकरी दे दे, भगवान हो जाते हैं। नहीं तो मोदी सबसे बड़ा भगवान, इतने नौकरी दे रहा है। जादू टोना दिखा दे, पीसी सरकार तो सबसे बड़ा भगवान होनी चाहिए। आप पीसी सरकार का नाम सुने होंगे ना, जादू विद्या में लोगों को काट करके जिंदा कर देता था, ऐसे उसने जादू विद्या दिखाया करता था, अद्भुत जादू विद्या। भैया, जादू विद्या दिखने से कोई भगवान नहीं होते हैं। इसलिए
भगवान कौन है हमारी आंखें भी आ गई है। इसलिए भैया उसको छोड़ करके देखो, ये जीवन हमें दुर्लभ जीवन मिला है। 84 लाख जीवन को बाद में एक बार भगवान ये मानव शरीर देते हैं। अगर जिसको तिसको भी तो भगवान बोलकर भाग गया तो क्या हुआ? जो एनर्जी देना चाहता ठाकुर जी के चरण में, जिसे ठाकुर जी की भक्ति करके हम ये जन्म मृत्यु का चक्र से निकल सकते थे, वो एनर्जी हम और किसको दे दिया? क्या हुआ? तुम्हारी मानव जन्म जीरो हो गया। इसलिए भैया वाक्य विहारी से ही संतुष्ट रहो और ज्यादा भगवान को ढूंढने का जरूरत नहीं। हमारे वाक्य विहारी यही सर्व। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये कौन है? बोले ईश्वर है। और ये कौन है? बोले सर्व कारण कारण। ये चीज अच्छा तरह समझो। ये नारायण कौन है? ये अवतार आदि कौन है? ब्रह्मा कहते हैं। बोले जब एक समय भगवान गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष को नीचे ठाकुर जी खड़े हुए, अभी इनकी मन में इच्छा हुई हम लीला करूंगा, लेकिन एक स्वरूप में तो ये लीला कर ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने उनको बाम अंग इतने में कंपन होना शुरू किया। कंपन होते होते एक दिव्य नारी कृष्ण की बाम अंग से प्रकट हुई। कहां से प्रकट हुई? बोले रास मंडल से। अभी प्रकट होकर के सुंदर सुंदर उन्होंने फूल का चयन करते हुए कृष्ण सेवा के लिए धावित हुई। इसलिए उन्होंने रास से प्रकट हुई, पहला अक्षर हो गया रा, और कृष्ण की पूजा वाक्य बिहारी जी की पूजा करने के लिए धावित। धावित मतलब होता है संस्कृत में दौड़ना। इसलिए इनका नाम हो गया रा और धा। क्या नाम हो गया? रा और धा। इतने में राधा रानी से ही ये जितने शक्ति उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी दुर्गा ये जितने कहां से प्रकट हुई? बोले श्री किशोरी जी से, श्री राधा रानी से प्रकट हुई है। और कृष्ण का दाहिने अंग से सर्वप्रथम श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुई है। कति ये बलदेव प्रभु से कति ये चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं। और इनके जो शंकर सेन से कहते तीन विष्णु प्रकट हुए। बोले भैया हम तो सुने विष्णु एक है, कहते आप तो कहते तीन विष्णु है। देखो ये तीन विष्णु कौन है अच्छे तरह से समझो। कहते एक विष्णु ये जिनका नाम है कारणदशाई विष्णु। कारणदशाई विष्णु मतलब जिन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने माया को प्रति दृष्टि की। माया दृष्टि गर्भवती धारण करते हुए अनंत करोड़ ब्रह्मांड को माया सृष्टि करती है। एक होता है गर्भदशाई विष्णु। बोले इनका काम क्या? बोले हर ब्रह्मांड में ये शयन करते हैं और अपना शरीर से आधा पानी को द्वारा ब्रह्मांड को भर देते हैं। और जिनकी नाभि कमल से ये ब्रह्मा जी प्रकट हुए ये गर्भदशाई विष्णु। कहते एक विष्णु है जिनका नाम क्षीरोदशाई विष्णु। बोले भैया ये क्या करते हैं? कहते ना सभी जीव का हृदय में ये अंगुष्ठ परिमाण में जो एक नारायण की अवस्थान है। कहते ना परमात्मा सभी जीव का हृदय में ये परमात्मा बैठे हैं। कहते ये कौन है? कहते ये श्री क्षीरोदशाई विष्णु है। हैं बताओ कृष्ण कहां पर रहे? भगवान हो सर्व कारण का कारण, इनसे बलदेव, इनसे चतुर्व्यूह, फिर इनसे तीन विष्णु प्रकट होकर क्या कर रहे हैं? ये जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं। लेकिन बांके बिहारी को कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे समझो मोदी, अगर यहाँ पर कोई लड़ाई हो जाए मोदी यहाँ कर आएगा लड़ने के लिए? आएगा मोदी आएगा? वो वही बैठ बैठ करके केवल आदेश देने पर सारे काम हो जाती है। कहते उसी तरह जो कृष्ण वो गोलोक वृंदावन में अपना सखा और सखियों को साथ में प्रभु तो केवल लीला विहार से प्रभु उसमें मस्त रहते हैं। ठाकुर जी को कुछ करने का जरूरत नहीं। उनका काम तो ब्रज गोपियों को साथ में राधा रानी को साथ में सखाओं को साथ में प्रभु नित्य निरंतर लीला करते हैं। लेकिन उनका सेवक का सेवक लोग सारे काम को कर देते हैं। प्लस श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तब ब्रह्मा जी एक बड़ा सुंदर एक श्लोक को कहते हैं। बोले भैया भगवान का नाम है अजीत, लेकिन उनका नाम तो अजीत है, फिर उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बोले तत्व अनुकंपा सुसुमिक समाना भुंजामि एवात्म कृतम विपाकम। कहते जीवन में जो कुछ जीवन में आता है क्या समझो,
कभी किसी को ऊपर कभी दोष मत लगाया करो, भैया अमकी वजह से मेरी ऐसे हो गई, बोले भैया किसकी वजह से कुछ नहीं होता है, हमने जैसे कर्म की वो कर्म के अनुरूप हम फल भोग कर रहे हैं। जगत में किसी भी किसी चीज में दोष कभी मत दिया करो, और जीवन में क्या करो, जिस स्थिति में भगवान क्यों नहीं रखे उसी स्थिति में रह करके सबके सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। इसलिए हर अवस्था में भगवान की भक्ति करते रहो, कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही दुनिया छूट जाए लेकिन भगवान की भक्ति कभी जीवन में नहीं छूटे। इसलिए हर अवस्था में भगवान की भजन करनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी बोले देखो, हाँ देखो एक स्टोरी सुनो ध्यान देकर, भगवान हमें जिस अवस्था में रखने पर हमारी मंगल हो। अब ये समझो अभी जो अवस्था है ठाकुर जी उसी अवस्था में रखे। अगर किसको बोले भैया भजन करो, बोले अभी बेटा बेटी की शादी नहीं हुई, अभी बेटा बेटियों को शादी करवा दे, फिर जब सारे काम निपट जाएंगे ना, हाँ फिर भजन करने के एक दो माला कर लेंगे। आप बताओ अभी तक किसका जीवन में कभी काम निपटा है किसकी? कहते खुद निपट जाते हैं लेकिन कभी ये काम नहीं निपटती। इसलिए ब्रह्मा जी कहते देखो अभी जिस अवस्था में रहने पर हमारी मंगल हो कल्याण हो, ठाकुर जी हमें उसी अवस्था में रखे, ये चीज को समझो। और उसी अवस्था में रहते हुए क्या करो, भजन करो। अगर आगे कभी बढ़िया स्थिति आएगा ना, कैसे आएगी, जब भगवान की हम भजन करेंगे। बगैर भजन नहीं किए हुए कभी जीवन में बढ़िया स्थिति आ ही नहीं सकती, ये चीज को समझो। एक सुंदर एक स्टोरी सुना, बोले एक समय एक राजा एक मंत्री वो जंगल में शिकार खेलने गए थे। जो मंत्री था बड़ा भक्त है, वो हर बात बात पर बोलता था देखो मंगलमय भगवान है, वो कभी हमारी अमंगल कर ही नहीं सकते, ठाकुर जी मंगलमय है। अभी राजा शिकार खेलते खेलते हठात उसकी ये कनिष्ठ अंगुल कट गई। बोले महामंत्री मेरे अंगुल कट गई, लेकिन मंत्री तो बड़े भगत है। बोले देखो महाराज भगवान मंगलमय है, भगवान कभी अमंगल नहीं करते हैं, भैया इसमें भी कुछ मंगल होगा। बोले क्या, जिंदगी भर के लिए मेरे अंगुल कट गई, तू क्या कहते हो, भगवान जो करते मंगल करते। फिर उसने बोला देखो भगवान तो किसका अमंगल करते ही नहीं, वो तो मंगल भवन अमंगल हरि है। राजा को इतना क्रोध आया, मेरे अंगुल कट गई राज बारंबार एक ही बात दोहरा रहा है। बोले जो कुछ करते अच्छे के लिए, बोले हाँ, बोले तेरा अच्छा करता हूं। बोले क्या करोगे, उन्होंने धक्का मार करके ना एक सूखा अंधकार कुआ थी उसको धक्का मार कर गिरा दिया। बोले भगवान जो करते अच्छे करते है ना, इसमें पड़ा रहा, देखूंगा तेरा अच्छा कैसे करता है। राजा वापस आ रहा था, एक डाकुओं का सरदार था, वो माता देवी को पूजा करता था और देवी जो पूजा करते हैं वो तामस की प्रकृति के होते हैं। बोले मैया अगर घर में एक लाला की जन्म हो जाए तेरे सामने एक नर बलि में दूंगा। किसी तरह से घर में एक लाला जन्म हो गया। उन्होंने डाकुओं को बोले चाहो जो कोई मिले पकड़ करके ले आओ, क्योंकि मैया की कृपा से मेरे लाला भयो है। अभी वो ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते राजा मिला। बोले वाह बड़े सुंदर सुपुरुष है, मैया तो बड़ी खुश होगी। राजा को पकड़ करके ले गए बलि देने के लिए। राजा तो कांप रहा था, हे भगवान किसकी है, किसकी चक्कर में मैं पड़ गया हूँ। और इसको स्नान स्नान कराया, बढ़िया वस्त्र पहनाया, और उनको गले में जवा फूल की माला को डाल करके एक जुपकाष्ट होता है गले को फंसा दिए, और लिया तलवार उठाया काटने के लिए। राजा तो छटपट छटपट कर रहा था, हठात उसका नजर पड़ा अंगुल पर, देखा एक बूंद खून टपक रहा है। लेकिन नियम है माता जी को वही वस्तु ही भोग अर्पण कर सकते हो, शरीर पूरा होनी चाहिए। शरीर अगर कोई कटा हुआ शरीर को देवी को
अर्पण नहीं कर सकते, पाप लगता है। जब देखा खून टपक रहा है, वो उठाया था तलवार और उसने तलवार को नीचे कर दिया। बोले डाकू का सरदार को बोले, ये माँ देवी की भोग्य की जोग नहीं, योग्य नहीं, क्योंकि इसका शरीर कटा हुआ है। ऐसे व्यक्ति मैया को देने से नाराज हो जाती है, इसको छोड़ दो। राजा का जब छोड़ दिया, अभी मंत्री की याद आया, सही ये मंत्री जो बोल रहा था सही बोल रहा था। भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर आज मेरा अंगूल कटा नहीं हुआ होता है ना, मैं तो पूरा के पूरा माता देवी के सामने बलि चढ़ जाता। इतने में वो वापस आया और जो मंत्री को कुएं में धक्का मार करके फेंका था ना, अंधकार कुएं से निकाले। बोले मंत्री तुमने जो बात बताया सही हुआ है। बोले क्या क्या हुआ? बोले ऐसी घटना हुई। बोले मैंने कहा था ना, ठाकुर जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा ने कहा देखो एक बात तो मेरे समझ में नहीं आई। बोले कौन सा बात? बोले तेरे को तब से अभी तक मैंने जो अंधकार कुएं में डाल करके रखा, तेरा क्या कल्याण हुआ? तू तो अंधकार कुएं में अभी तक तूने जीवन बिताया। बोले भैया राजा तेरे कल्याण नहीं, कल्याण तो मेरा ही हुआ। बोले कैसे? बोले अगर तुमने मेरे को कुएं में धक्का मार करके नहीं गिरा था, फिर हम दो नहीं जाते, और तेरा तो अंगुल कटा हुआ था, तेरे को छोड़ देते और मेरे को पूरा के पूरा मैया को सामने बलि चढ़ा देते। बोले भैया बात सही बात है। हाँ देखो ये ब्रह्मा कह रहे हैं, अगर इतना सूत्र को अगर जीवन में कोई धारण कर लेगा ना, आपका जीवन मंगल हो जाएगा। ब्रह्मा कौन है? ये हमारे आदि गुरु। किसको बोलो भजन करने के लिए? बोले कोई भजन करने का उम्र है? अभी तो छोरा छोरी इनकी शादी फादी दे दा करके जब सारे काम निपट जाएगा तब भजन करेंगे, अभी क्या भजन करेंगे? भैया तुम निपट जाओगे, तुम्हारी जीवन कभी तुम्हारी है काम कभी नहीं निपटेगा। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं अभी जिस स्थिति में तुम हो वही स्थिति को सबसे बढ़िया समझो। बढ़िया समझ करके क्या करो? भगवान की भक्ति कर लो। बोले जिस देश में जिस बेस में परिवेश में रहो राधारमण 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 अवस्था में क्या करो? भगवान की भक्ति करते रहो। सबके सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जब स्तुति कर रहे थे लेकिन ये भगवान खुश नहीं हो रहे थे, वो तो अपना सखाओं के साथ में मस्ती ले रहे थे। और ब्रह्मा को कह रहे थे भैया चौहुआ ये तो कोई ये तो अद्भुत जीव कहां से आ गया? हमारे तो एक सर है, इसका चार चार सर वाले कहां से आ गए? ब्रह्मा जी ने देखा भगवान तो खुश नहीं हो रहे। बोले अभी तक तो कृष्ण को मैंने स्तुति करके देखा, अभी थोड़ी सी ब्रजवासियों को भगवान की भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। तो उन्होंने ब्रजवासियों को स्तुति की। बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। बोले प्रभु ये ब्रजवासी लोगों ने ऐसे कौन सा पुण्य किया है? यहाँ अहो और अहो उनने दो बार शब्द उच्चारण की। अहो अहो मतलब जैसे कोई बड़ी आश्चर्य चीज देख लो, हम कहते हैं ना भैया क्या आश्चर्य है क्या आश्चर्य है। मतलब ये ब्रजवासी लोग कितने पुण्यात्मा, किसकी तो कृष्ण सखा बन गए, किसकी बेटा बन गए और किसका प्रियतम बन गए। इन लोगों ने इसे कौन सा पुण्य की? जब इतना बोले ना कृष्ण थोड़ा हंस पड़े। फिर ब्रह्मा को पता चला कृष्ण का कमजोर कहाँ पर, मतलब क्या है? अगर प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो भगवान को सेवा से उनकी भक्तों की सेवा करो, जल्दी से जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी बोले हे प्रभु जानंतु एव जानंतु। अगर कोई कहता है अरे वही बांके बिहारी कृष्ण है ना जो घर घर में मक्खन चोरी करती थी, हैं
नटखट करता था उसकी बात हर मैं जानता हूँ। ब्रह्मा जी कहते भैया मैं चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ, पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी की बांके बिहारी जी की महिमा को कोई नहीं जान सकते हैं। बोले जिनकी एक एक लोम कूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान, जिनके भ्रुकुटी भर में विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए। भगवान को उन्होंने परिक्रमा करते हुए ब्रह्मा वहां से चल पड़े। जब चल पड़े, ये ब्रह्मा किसको कह रहे हैं ये बात? इंद्र को कह रहे हैं। बोले इंद्र मेरे अभिमान भी ठाकुर जी तोड़े हैं, ये वाक्य बिहारी कृष्ण साधारण नहीं। बोले बताओ अभी मैं क्या करूं? बोले वो ग्वाला है, गोपाल है, गैया को पूजा करने वाले, नमः ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, ये गैया को पूजा करने वाले सुरभि गाभि की अनुगत्य में चलो। भगवान को स्नान कराए, अभिषेक करवाए, माफी मांगे। बोले प्रभु मेरे अपराध को माफ कर दो। भगवान बड़े डांट लगाए, बोले तेरे मन में अभिमान हो गया था ना, स्वर्ग का देवता तू और ये ब्रजवासी तेरे प्रजा हैं, मैं जिसको ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसको सारे अभिमान को तोड़ देता हूँ। भगवान को उन्होंने एक नया नाम दिया, गोविंद नाम दिया। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो ये जो भागवत है, ये जो श्रीमद् भागवत कथा, इतने कथा में जानता हूं, अगर दिन में 7-7 घंटा कथा सुना लगता है किसी तरह से कथा समाप्ति होगी। इतने भागवत कथा में, इतने सुंदर सुंदर भागवत में कथाएं, लेकिन यहाँ तो समझो 1.5 घंटा कथा होती है, हैं? 1.5 घंटा किसी तरह से कथा होती है। आपके एक सुंदर में कथा सुनाऊंगा, जो लोग आधी कथा सुने, लास्ट में आए, पूरी नहीं सुन पाए, ये ऐसे है कि कथा ही जो कथा सुनने से आपको पूरी भागवत कथा सुनने का फल मिल जाएगी। थोड़ी सी समय में आपको ये कथा को मैं सुनाऊंगा और आप लोग ध्यान देकर ये कथा को सुन लो, ठीक है? बोले जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित को कथा सुना रहे थे, कथा सुनाते सुनाते जिस समय परीक्षित श्री कृष्ण ने जिस समय ये जदुवंश को अभिशाप दिया ऋषियों ने, हैं, ऋषियों ने अभिशाप दी, इतने में श्री परीक्षित महाराज कथा सुन रहे थे और उनको तक्षक 7 दिन में डांसेगा। जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को पूरी भागवत कथा सुना दी, कहते परीक्षित महाराज का माँ उतरा, वो भी पास में बैठी हुई थी, क्यों बेटा को तक्षक दर्शन करेगा, एक ही बेटा एक लौता, अभी तक्षक दर्शन करना, ये मरने वाले, इसलिए मैया बड़ी दुखी होकर के पास में बैठ गई, एक बेटा 7 दिन में मर जाएगा। जब पूरी भागवत कथा समाप्त हो गई, इतने में उत्तरा ने श्री परीक्षित महाराज से प्रश्न की, बोले बेटा ये सुखदेव गोस्वामी 7-7 दिन तक कितने कथा सुनाए, मैं तो स्त्री जाती हूँ, मेरी बुद्धि बड़ी मंद है, इसलिए मेरे पल्ले में तो कुछ पढ़ो ही ना, इसलिए तू मेरे लायक कुछ कथा सुना दे, थोड़ी सी कथा सुना दे जिसमें पूरी भागवत का सार हो, कम से कम मेरे को पता चल जाए वो क्या बताना चाह रहे थे। तो उन्होंने थोड़ी सी समय में पूरी भागवत का सारांश सुनाई, इसलिए आपको भी वो कथा भी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसका सारांश आपको भी सुना दूंगा, जिसको सुनने से पूरी कथा सुनने के फल मिल जाएगी, इसलिए अभी ध्यान दे करके अब लोग कथा सुना। बोले एक दिन श्री नारद जी कहती है, नारद जी कौन है? बोले बड़े कौतुकी है, आप देखना इनके बगैर प्रभु का कोई लीला ही नहीं होगी, रामायण देखो, महाभारत देखो, आप कृष्ण कथा देखो, सबसे पहले ये नारद जी है, हैं? ये बड़े रसिक है। एक दिन नारद जी बिना बजाते बजाते बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा नारद
पहुंचे प्रहलाद महाराज के पास में, बोले श्री प्रहलाद महाराज की जय। बोले प्रहलाद, तेरे जैसे भक्त जगत में कोई नहीं है, क्योंकि ये 5 साल उम्र में इन्होंने भगवत दर्शन की। जब ये भगवत भजन कर रहे थे, इसका जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप, उसको भजन करने नहीं दे रहा था। बोले खबरदार, भजन भजन कुछ नहीं कर सकते, हरि तो मैं हूँ, हरि और कहाँ से आएगा, सारा दुनिया को मैंने विजय प्राप्त की, इसलिए मैं तो भगवान स्वयं हूँ, और दूसरा हरि कौन है। इसलिए अपना बच्चे को मारने के लिए उन्होंने प्रयास की। आप कथा सुने होंगे, पहाड़ का ऊपर से फेंक दिए, ठाकुर जी इसको पकड़ लिए हैं, और उसको काल कोठरी में बंद कर दिए। बोले काल कोठरी में बंद कर दो, खाना पीना बंद कर दो। जब बैकुंठ में माँ लक्ष्मी नारायण को 56 भोग 36 व्यंजन लेकर के उनको भोग लगाने के लिए आई, बोले लक्ष्मी, मेरा भक्त जेल में बैठ करके मेरे भजन कर रहा है, मैं कैसे, बच्चा अगर भूखा हो पिता माता को भोजन कर सकते हैं, बच्चे को खिलाए बगैर चलो, हम प्रहलाद खिला करके आते हैं। माँ लक्ष्मी अपना हाथों में जो प्रसाद बनाती है, दोनों आ करके प्रहलाद को खिला करके जाते हैं। जब कुछ दिन बाद में बोले जेल को खोलो, लगता है तो प्रहलाद सड़ गड़ कर खत्म हो गया, लेकिन जब दरवाजा खोले ना, काल कोठरी और भी मोटा बन करके निकला। बोले भैया, ये मोटा कैसे हो गया, तो उसे खाना ही नहीं दिए। जब किसी तरह से मरा ही नहीं, उसकी बहन का नाम थी होलिका, होलिका आकर के देखा हिरण्यकश्यप बड़ा दुखी। बोले भैया क्या बात, तू दुखी क्यों, त्रिभुवन तेरे हाथ में। बोले त्रिभुवन तो मेरे हाथ में, लेकिन ये जो प्रहलाद है ना, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। बोले क्यों। बोले मेरे शत्रु भगवान हरि को भक्ति करता है, उसको मैं मार नहीं पा रहा। बोले भैया चिंता मत करो, ब्रह्मा जी मेरे को वरदान दिए हैं, ये अग्नि तुमको स्पर्श नहीं करेगा, चिता जलाओ और मेरे गोद में प्रहलाद को बैठा दो और आग लगाओ। जब आग लगाए, बड़े जोर से चीख निकली, बचाओ बचाओ। हिरण्यकश्यप सोचा बस प्रहलाद खत्म हो गया। इतने में जब आग बुझ गई ना, देखा प्रहलाद तो आग को बीच में बैठी करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय। दादा जैसे एयर कंडीशन रूम में बैठा हुआ है, क्योंकि जाके रखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हुई। इतने में हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, बोले बताओ तेरे हरि कहाँ है। बोले बताओ मेरे हरि है नहीं, कहाँ बताओ। बोले क्या खंभे में है। बोले मेरे को तो दिख रहा है, प्रभु बैठ कर मुस्कुरा रहे, साक्षात भगवान वहां प्रकट हो गए। बोले पहले तेरे प्रभु को दिखाता हूँ, फिर तेरे को दिखाऊंगा। उन्होंने मारी, उन्होंने मुष्टि का घात को मारी, खंबा फट गई और स्वयं श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की, जोर से बोलो, बोले श्री नरसिंह भगवान की। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उनके अंदर में घमासान युद्ध हुई। युद्ध होते होते जब शाम हो गया, जैसे बिल्ली के चूहे को पकड़ लिए, ठाकुर जी पकड़ करके दहली पर लाए, अपना गोद में रख करके जो मारने जा रहे थे, हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे को मार नहीं सकते। बोले क्यों। बोले दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, मारोगे कहां से। बोले भले आदमी ऊपर देख, ये शाम का समय है। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों। बोले घर में नहीं मरूंगा, बाहर बहुत वरदान लिया है। बोले तू दहली के ऊपर में, बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों। बोले भगवान की किसी सृष्टि प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा, हैं? ब्रह्मा जी की किसी सृष्ट प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा। बोले अच्छे तरह से आग फाड़ फाड़ कर देख, मैं ब्रह्मा का बाप हूं। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता हूं। बोले किसी महीना में नहीं मरूंगा, कैसे मारोगे। बोले याद करिए कौन सा महीना, ये मलमास है। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों। बोले किसी अस्त्र में नहीं मरूंगा, किसी शस्त्र में नहीं मरूंगा, मारोगे कैसे। बोले अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, भगवान नाखून से उसका पेट को फाड़ दिए, फाड़ करके उन्होंने उनकी नाड़ी भुड़ी को उन्होंने पहन लिए। बोले भैया पेट क्यों फाड़े।
पेट क्यों फाड़ी? बोले इसलिए फाड़े, बोले इसकी और से सही प्रहलाद जन्मा और इतने बड़े भगत हुए, खंभे से ठाकुर को प्रकट कर दिया, बोले इसको पेट फाड़ कर देखता हूँ प्रहलाद जैसे दो चार और भक्त निकल जाए हैं। इसलिए उन्होंने उनके सिंहासन में बैठ गए। इसलिए यहाँ पर श्री जिस समय इतनी भयंकर मूर्ति थी, इनको ब्रह्मा मनाने के लिए आए, टेढ़ी नजर से देखी, बोले तेने इसकी वरदान दी थी, भाग गई वहां से। शंकर जी आए, देखा नरसिंह भगवान आधा शेर आधा नर, उनकी जो बैल था ना, शंकर जी का बैल है, वो तो पूछ खड़े करके भाग गया, मेरे कहां नहीं जाए। इतने में मैया लक्ष्मी को बोले, बोले प्रभु इतने क्रोधी तो विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा, जल्दी चलो। बोले प्रभु तो शांत आगारम भुजग शयनम, प्रभु तो बड़े मीठे हैं, जब ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए आए ना, ठाकुर जी दहाड़ मारे तो लक्ष्मी भी आरती के थाला को फेंक करके भाग गई। बोले मैंने कभी इतने भयंकर रूप नहीं देखा। इतने में प्रहलाद को बोले, प्रहलाद तेरे लिए ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, तुम शांत कर सकते हो। जब प्रहलाद आए ना, ठाकुर जी की क्रोध हो एकदम शांत हो गया, एकदम ठाकुर जी पानी पानी हो गए। ठाकुर जी प्रहलाद को गोद में लेकर चाटने लग गए। भगवान ने कहा, प्रहलाद मेरे ये भयंकर रूप देख करके सारा दुनिया थर थर कांप रही, तेरे को डर नहीं लगता है? बोले प्रभु जी, शेर दूसरे के लिए शेर होता है, अपना बच्चे के लिए शेर नहीं होता, आपका ये रूप तो मेरे को बड़े सुंदर लगता है, बड़े प्यारे लगते हो। बोले ध्रुव, प्रहलाद मेरे को आने में देर हो गई, तू मेरे से मेरे को अपराध से माफ कर दो। बोले तू बर मांगो प्रभु, बोले इसकी चक्कर में मेरे को मत डाला करो, अगर मेरे को देना चाहते हो क्या चाहो, बोले मेरे पिताजी को वैकुंठ भेज दो, अपने चरण में भक्ति दे दो। देखो एक चीज को समझो, जिस अगर बेटा तुम्हारी भक्त हो ना, कितने अच्छे होते हैं भक्त, जो भक्ति करते हैं कितना संत हृदय नवनीत समाना। जिस पिता ने उसको जिंदगी भर मारने के लिए कोशिश की, जब ठाकुर जी कहते तुम बर मांगो, क्या कह रही, मेरे पिताजी को चरण में भक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। भगवान कहते हैं, बेटा तू तेरे पिताजी के नाम क्यों कहते, तेरी 21 पीढ़ी उधार हो गई। लेकिन इसी दुनिया में देखना, जैसे किसी व्यक्ति का दो का तीन बच्चे हो, अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी कम हिस्सा में आ गई पिता की संपत्ति, जब तक जिंदा रहेगा डोकरा डोकरी को गाली देते रहेगा, जिंदगी भर वो गाली देते रहेगा, मेरे को कम दिया उसको ज्यादा देकर गए। लेकिन वो ये नहीं देखेगा, पिता माता जन्म दिए, हमें इतना बड़ा किया पिता माता, हमें इतना लिखाया पढ़ाया, ये नहीं सोचेगा। कहते भैया बच्चे को भक्त बनाओ, अगर भक्त बनेगा ना तुम्हारी 21 पीढ़ी उधार हो जाएगी। ये भगवान स्वयं नरसिंह भगवान कहते हैं, अगर बच्चे दारू पी लिया, बच्चे जुआ खेलता है, मांस मछली खाता है, यहाँ पर कहते हैं बच्चे को उसका पाप कर्म भी पिता माता को लेना पड़ेगा, और कोई नहीं लेगा, पिता माता लेगा। बोले क्यों? बोले तुमने जन्म दिया बच्चे को, जैसे तुमको पुण्य लगेगी ना, उसका पाप भी तुम्हें लगेगी। देखो पुराण में कथा है, बोले एक समय कोई एक जोगी स्वर्ग में पहुंचा, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, चंद उनको सोने की सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरियां सेवा कर रही थी, लेकिन वो बैठ बैठ करके रो रहा था, होश बेहोश हो रहा था। जोगी ने बोले, भैया तू इतने पुण्य करके स्वर्ग में आए, रो रहे क्यों? बोले मेरे से एक गलती हो गया, मैंने बच्चों को मैंने भक्ति मार्ग में नहीं लगाया, मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था, बच्चे उसी पैसा से शराब पी रहे हैं, हम मांस खा रहे, जुआ खेल रहे, वो पैसा कौन छोड़ कर आया था? बोले मैंने छोड़ कर आया था, मेरे पैसा को गलत काम में लगा रहे। अगर हम पैसा छोड़ करके गए ना जाएंगे ना, अगर बच्चे गलत रास्ता पर गए, उसका पाप भी स्वर्ग में भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए किसको बोले माला जप करने के लिए, नहीं बच्चे के लिए पैसा कमा कर जाऊंगा ना, कहते मत कमाओ, वो हो ना रहोगा तो कमाएगा, अगर कमा कर जाओगे तो फिर बर्बाद करेगा। इसलिए ऐसे धन कमाओ, किस धन? ठाकुर जी के नाम धन। इसलिए मीरा क्या कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल सब मेरे सदगुरु, वस्तु अमोल सब मेरे सदगुरु, कृपा करे आयो जी राम रथ।
इसलिए कौन सा धन को माना नाम रूप। देखो आप लोग बुरा मत मानना, मैंने जहां जहां जाता हूं ना, आप सोच नहीं सकते कितने लोगों को मैं बदला देता हूं। और विशेष करके जो चार ही बहुओं की मैं कथा सुनाता हूं, लोगों का तो होश उड़ जाती है। चार बहुओं की कल कथा सुन रहे थे ना, पैसा बहु धन, पैसा बहु शरीर, पहला बहु वो भी साथ नहीं देती है, दूसरे बहु पैसा वो भी कहते दूसरे से मैं शादी कर लूंगी चली जाऊंगी, तीसरे बहु पत्नी परिवार कोई दरवाजा तक कोई शमशान तक, लेकिन जिस बहू को उसने कभी आदर नहीं दी वही बहू गई। वो कौन सा बहू थी? बोले भगवान की भक्ति, भगवान के नाम। जब मैं कथा सुनाता हूँ ना, आप सोच नहीं सकते कितने लोगों को परिवर्तन करता हूँ। लेकिन मैं जब ये स्टोव कैलाश में कथा करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कथा तो इधर सुनकर इधर निकाल कर चले जाते हैं, निकाल करके चले जाते हैं। कोई मैं देखता हूँ इतने माला मेरे से ले जाती है ना। इसलिए कल बेरी प्रभु बोल रहे थे, मैं जहां जहां गया, देखो गड़ी में गया, पूरा गड़ी मैंने बदला दिया। घर घर में देखोगे गड़ी में, यहाँ पर बहुत सारी माताएं आई, घर घर में माताएं माला ली, घर घर में, और मैं जहां अभी जहां जहां गया। लेकिन यहाँ पर लोग भक्त लोग क्या करते हैं, बस इधर सुने इधर निकाल कर यहां चले गए, यहां से पल्लू झाड़ करके चले जाते हैं गेट से बाहर। नहीं भैया, कथा से कुछ लेकर के जाओ। क्या लेकर के जाओ? अरे कम से कम तो भगवान की तो माला जप करो, इतना तो कम से कम लेकर के जाओ। हमारी कथा हम जो करते हैं केवल एक उद्देश्य से करते हैं, भैया किसी तरह से आप भक्ति में लग जाओ। आपसे हम पैसा नहीं मांग रहा हूँ, इतना पैसा दो, माला लो फ्री में। अरे कम से कम सवेरे तो दो माला करो, इतना तो करो कम से कम, ठीक है ना। इसलिए कम से कम आज जब जाओ एक एक माला लेकर कम से कम जाओ और भगवान के नाम जप करो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए श्री नारद जी कहते बोले प्रहलाद तेरे जैसे भक्त जगत में कोई नहीं हो सकते हैं। लेकिन देखो भक्ति का एक लक्षण है, बोले क्या लक्षण है? अगर किसी पेड़ में ज्यादा फल आ जाए ना, वो पेड़ अपने आप झुक जाती है। जिसकी हृदय में जितने भक्ति आएगी उसका हृदय इतना झुक जाएगी, वो अपने आप को इतने दीन ही नहीं मांगेगी। प्रहलाद ने कहा भैया मेरे को भक्त कह रहे हो, मेरे अंदर में तो भक्ति की भातक भी नहीं, कहां मेरे की भगवान की कृपा हुई? भक्ति कहां? भक्ति मतलब होता है सेवा, भगवान मेरे को गोद में लिए, बात सही है। लेकिन मैंने प्रभु का कहीं सेवा की? ठाकुर जी का आरती उतारे ठाकुर चले गए, ठाकुर का सेवा कहां किया? हाँ, अगर भक्त दिखोगे ना, बोले कहां पर जाओ? बोले तुम चले जाओ श्री हनुमान जी को पास, श्री चले जाओ श्री अम्बरीश महाराज को पास में जाओ, देखोगे सप्तद्वीप पृथ्वी का अधिकारी है। उसी समय चक्रवर्ती सम्राट थे श्री अम्बरीश महाराज, लेकिन ये सारा दुनिया की राजा होते हुए भी एकादश इंद्रियों को द्वारा उन्होंने जो भजन किया है, बोले सबई मन कृष्ण पदार विंदयो बाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। वो क्या करते हैं? बोले वाणी को द्वारा प्रभु का कथा सुनाते हैं, हाथों से ठाकुर को सेवा करते, राजा होकर के हैं ठाकुर जी की सेवा करते हैं। लेकिन हम लोग अगर थोड़ी सी पैसा हो गया ना, अगर मंदिर बनाएंगे तो नौकर को छोड़ देंगे, बोले तू सेवा कर और हम खुद मस्ती मारेंगे। लेकिन श्री महाराज जी अम्बरीश महाराज अपना हाथों से ठाकुर को सेवा करते थे, मंदिर मार्जन करना, भोग लगाना, ठाकुर जी को स्तुति, सब सारे अपना हाथों से करते थे। पहले पहले राजा लोग बहुत शादी करते थे, अम्बरीश महाराज इनकी भी बहुत शादी थी। अभी इनका एक छोटी रानी घर में आई, एकदम नया शादी करके। छोटी रानी ने देखा राजा तो शादी करके ले आए, लेकिन भैया दिन में तो कम से कम एक बार मेरे से मिले। बोले भैया तू ठीक ठाक है कि नहीं, तुम्हारे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं? एक बार भी दिन में नहीं मिलते हैं, ये दिन भर करते हैं क्या? एक दिन छोटी रानी देखने के लिए गई, राजा करते हैं क्या दिन भर? उन्होंने देखा राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त मतलब होता है सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। देखो नियम है सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी उठनी चाहिए, इसलिए बोले चार तरह का स्नान है। कितना तरह का स्नान है? देखो अच्छे तरह से सुना, एक है ऋषि स्नान,
बोले ऋषि स्नान किसको कहते हैं, बोले सूर्य उदय होने से एक घंटा 36 मिनट पहले जो स्नान कर ले उसको ऋषि स्नान करते हैं। उसी समय ऋषि लोग संत लोग स्नान करते हैं। उसी समय स्नान करने से शरीर का आधा बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। एक होता है देव स्नान। बोले देव स्नान किसको कहते हैं, सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर ले। बोले एक होता है नर स्नान। नर स्नान किसको कहते हैं, कम से कम जब सूर्य उदय हो उसी समय में स्नान कर लो। और एक होता है राक्षस स्नान। राक्षस स्नान किसको कहते हैं, सूर्य उदय को बाद में जो स्नान करते उसको राक्षस स्नान। ये पुराण में कथा बताया है। इसलिए नियम क्या, ऐसे नहीं 1-2 बजे तक टीवी देखते रहो और सो और 9-10 बजे उठो और मुंह धोकर किसी तरह से बास खाए पी ऑफिस चले गए, भैया ऐसे नहीं करनी चाहिए। टाइम से सोकर टाइम से उठो, सवेरे उठकर कुछ भगवान की भक्ति करो, भजन करके फिर अपना काम में जानी चाहिए। इन्होंने क्या देखा, राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उठ करके क्या करते हैं, ठाकुर को सेवा सारे इंद्रियों से 24 घंटा ठाकुर को सेवा करते हैं। अभी वो जो छोटी रानी थी ना, अभी छोटी रानी सोच रही, बोले ओ राजा दिन भर ठाकुर को सेवा करते हैं ना, इसलिए उनको पास में समय नहीं होता हमसे मिलने के लिए। कल मैं अपना 2 हाथ थोड़ी सी उनके साथ में बटा लूंगी। वो पहले दिन देखा राजा कैसे सवेरे उठ करके कैसे सेवा करते हैं। इतने में रानी ने किया कि उनसे पहले उठ गई, उठ करके मंदिर को साफ सुथरा कर दी, ठाकुर का बर्तन को साफ कर दी, ठाकुर जी के लिए चंदन घिस करके फूल चयन करके एकदम सुंदर रूप में उनके लिए सजा दी, ठाकुर के लिए बड़े सुंदर बाल भोग बना दी। राजा जब स्नान करके तिलक लगा करके आए ना, देखा सारे सेवा रेडी, कुछ करने का जरूरत नहीं। अगर हम होते ना खुश हो जाते, बढ़िया हो गया, आज हमें काम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी आज विश्राम कर लेंगे। देखो राजा देखकर बड़े क्रोधित तो हुए, क्योंकि जो ठाकुर को जो सेवा है ना ये साधारण चीज नहीं है। इसलिए भागवत कहता है हाथों में यहां से यहां तक तुमने सोने की कंगन पहनी रखी हो, लेकिन इन्हीं हाथों से ठाकुर को सेवा नहीं करते हो। भागवत का तो हाथ नहीं, बोले सब करो, वो मरा हुआ हाथ है। कहते दिन आंखों से दिन रात टीवी देखते रहते हो लेकिन ठाकुर का रूप नहीं देखते हो। कहते आंख क्या, बोले बराही ते नयने, ये 2 पंख है वो आंख नहीं, मयूर में जो पंख है पंख है। कहते प्यार से सारा दुनिया यार दोस्तों के पास घूमते हो लेकिन तुलसी परिक्रमा भगवान की मंदिर परिक्रमा नहीं करते हो। तो ये भागवत कहता है ध्रुव जन्म बाजो, अगली जीवन में तुमको पेड़ जन्म मिलेगा। ये भागवत कहता है मतलब पेड़ बनकर रहो एक जगह पर, तुमको मानव शरीर दिया सारा दुनिया तो तुमने घूमे लेकिन गोवर्धन नहीं गए, तुलसी परिक्रमा मेरे मंदिर परिक्रमा नहीं लगायो, ध्रुव जन्म मतलब वृक्ष जन्म, वृक्ष क्यों हुए सबके सब, इसलिए वृक्ष हुए हैं। अपना सर को बड़े सुंदर मुकुट से श्रृंगार की लेकिन ये सर को ठाकुर का चरण में नतमस्तक नहीं किया। कहते भार परम पट कीर्ति जुष्टम, केवल एक भार है जिसको तुम्हें भव समुद्र में जो डुबा देगा है। इसलिए कहते सारे इंद्रियों का तभी सार्थकता जब ये ठाकुर को सेवा में लग जाए। राजा को क्रोध आ गया, बोले रानी तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी सेवा छीनने की, क्या तेरी मन में इच्छा हो तू बोलना, तेरे लिए हम भी जोड़ जुगल सरकार को मैं स्थापन कर दूंगा, तू अपना ठाकुर को सेवा कर, मेरा सेवा करने का जरूरत नहीं। रानी बोले ठीक महाराज, मेरे लिए भी थोड़ा जुगल सरकार ले आओ, राधा कृष्ण ले आओ। उनके लिए उन्होंने जो ठाकुर का नाम था केशवदेव, उन्होंने बड़ी सुंदर ठाकुर जी को ले आए। देखो माताओं के अंदर में एक विशेष गुण, जानते हो क्या गुण तुम्हारे अंदर में, दुकान में जाओ जितने श्रृंगार का चीज किसके लिए, माताओं के लिए। भाई लोग तो एक पैंट कुर्ता पहन लिए इतना ही, लेकिन ब्यूटी पार्लर जितने सब माताओं के लिए, इसलिए देखना जितने सब श्रृंगार माताओं के लिए, इसलिए ये अपना शरीर को श्रृंगार करती है। देखो कभी ये चीज को कैसे ठाकुर को सेवा में लगानी चाहिए। राजा बड़े दिनों से ठाकुर को तो सेवा कर रहे थे लेकिन अभी रानी ठाकुर को जब सेवा करती है ना, इतने सुंदर कपड़ा पहनाती है, इतने सुंदर श्रृंगार करती है, फूलों की माला से श्रृंगार इतनी सुंदर की। एक दिन राजा देखने के लिए आई, रानी कर रही है क्या, देखा इतने सुंदर ठाकुर को सजाया, इतने सुंदर ठाकुर को सजाया। राजा तो इतने खुश हो गए, बोले धन्य है तेरे जीवन, क्योंकि राजा संत थे वैष्णव थे,
भक्त राजा क्या चाहते हैं, मेरे पत्नी भी भक्ति करे, दोनों मिलकर के भक्ति करे। उनने बड़ी बाहवा दी, राजा अभी किसी रानी को घर में नहीं जाते हैं, छोटी रानी के घर में रोज आता है। अब उनका बहुत सारी रानियां, अभी तो आपस आपस में कानाफूसी होने लग गया, क्या चक्कर है, राजा दिन भर ये छोटी रानी के घर में चक्कर क्यों लगाते हैं। उनको पता चला कि सीआईटी लगा दी, दासी को देखो तो राजा क्यों छोटी रानी के घर में चक्कर लगाते हैं। देखा राजा इसलिए चक्कर लगाते हैं रानी के लिए नहीं, वो जो ठाकुर को सुंदर श्रृंगार करते हैं वो श्रृंगार दर्शन करने के लिए आती है। जब रानियों को पता चला ना, सारे रानियां झुंड को झुंड पहुंच गई, बोले महाराज हमारी घर में भी ठाकुर को स्थापन करो, हम भी ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं। राजा तो इतने खुश हो गए, बोले भैया मेरी जीवन धन्य हो गया, अभी तो रानियों में कंपटीशन लगने लग गया। क्या कंपटीशन, ठाकुर जी की श्रृंगार कौन कितना सुंदर करता है, जो जितने श्रृंगार करे ना राजा उतना उनको वर में संतुष्ट हुआ करते थे। ऐसे श्री अम्बरीश महाराज जी अम्बरीश महाराज थे। बोले भक्त देखना चाहते हैं ना, जब अम्बरीश महाराज को जाकर के देखो, तब नारद जी बिना बजाते बजाते श्री अम्बरीश महाराज के पास में आए। बोले श्री अम्बरीश महाराज की, हर जोर से जयकार बोलो, बोले श्री अम्बरीश महाराज की। बोले महाराज आप जैसे भक्त दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी को पर आप राजो तो कर रहे हो लेकिन कोई अभिमान नहीं, ठाकुर को सेवा और भक्ति कर रहे हो। लेकिन अभी ये कलयुग है ना, थोड़ी सी कोई लिखा पड़ा हो जाए मर्डर बन गए। बोले अंग्रेजियों का सारे खान पान उनकी रहन सहन को सब नकल करना शुरू कर देते हैं, ये मर्डर ऐसे। लेकिन नहीं, पहले देखो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, महाराज है ना, ये सब के सब कृष्ण भक्त थे, सब के सब भक्ति करते थे। अभी हम लोगों का भी बड़ा भाग्य है, ऐसे देश में राजा आया, मोदी जैसे राजा आया है, मोदी जैसे आए हैं जो कि भगवान की भक्ति करने वाले। जानते हो मोदी क्या करता है, उसने माला लिया है, उन्होंने माला लिया है, वो माला लेकर के माला में दो माला रोज करता है, और जहां जाता है देश देश में ये गीता उनको प्रदान करता है, है? गीता उनको, क्योंकि हर लैंग्वेज में भी गीता बनी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को उन्होंने गीता देता है, बोले गीता को आप जरूर पढ़ा करो। अभी जब ये बात बोले ना अम्बरीश महाराज, बोले नारद जी मेरे अंदर में तो भक्ति का भातक भी नहीं है। भक्त देखोगे, बोले कहां पर, बोले चलो जाओ किष्किंधापुरी में जाओ, वहां पर श्री हनुमत लाल को देखो, देखो कि कैसे हनुमान जी भक्ति करते हैं। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को देखो, तब उन्होंने वहां से नारद जी बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। अभी सीधा पहुंच गए हनुमान को पास में, बोले श्री बजरंग बली की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री बजरंग बली की, बोले श्री हनुमत लाल की। बोले हनुमान जी आप जैसे भक्त जगत में कोई नहीं, आप भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय पात्र हो। हम कहते हैं ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। पीछे पीछे बोलो, कोई बोल नहीं रहे हो, पीछे पीछे बोलो, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। संजीत भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना,
दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, रघुपति राघव राजा राम, पति सपावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम, पति सपावन, जय रघुपति राघव राजा राम, पति सपावन सीताराम, 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 जय श्याम रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की, बोले हनुमान जी तेरे जैसे भगवान की प्रिय कोई हो ही नहीं सकते ही हैं। बोले क्यों? बोले अगर तू नहीं होता है ना, माता सीता का पता कौन लगा सकता है? बोलो कोई लगा सकता है? कोई लगा ही नहीं सकता है। बोले तेरी वजह से माता सीता की उधार हुई है। जिस समय उन्होंने माता सीता को उधार करके लाए, मैया सीता इतनी खुश हो गई, इतने खुश हो गए, बोले हनुमान तू नहीं होता मेरी उधार होना बड़ा कठिन था, इसलिए तेरे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान राम तो इतने खुश हो गए, हनुमान जी तू आज जो कुछ मांगोगे मैं तेरे को सब कुछ प्रदान करूंगा, इसलिए जी भर करके मांग ले। मैया सीता बोली मैं सबसे कीमती चीज तेरे को देना चाहता हूँ। बोले मैया ने क्या दी? उनको एक गजमती हार दिया। जब हार दिए इतने में हनुमान जी एक एक मोती को तोड़ तोड़ कर देख रहे थे और दांत में काट काट कर फेंक रहे थे, काट काट कर फेंक रहे थे। मैया सीता को तो बड़ा क्रोध आ गया, कितना बंदर का आदर क्या स्वाद पता है। बोले तेरे को मैंने इतनी कीमती चीज दी और तू दांत में काट काट कर क्यों फेंक रहे हो? बोले माता जी मैं देख रहा हूँ इसमें मेरे प्रभु सीताराम का कोई छवि है कि नहीं, जिसमें मेरी प्रभु सीताराम की कोई छवि नहीं हो हनुमान उसको ग्रहण नहीं करता है। बोले बात तो बड़ी बड़ी करते हो, तेरे शरीर में क्या सीताराम? शरीर को फेंक, काट कर फेंक देना। बोले देखना चाहते हो? बोले क्या दिखाओगे? हनुमान जी अपना छाती को फाड़ दिए और सचमुच से देखा हनुमान के हृदय में सीताराम की निवास है। मैया को विश्वास हो गई। बोले श्री बजरंग बली की जय। बोले एक दिन क्या हुआ, मैया सीता जी अपना श्रृंगार भवन में श्रृंगार कर रही थी और हनुमान माता को तो अपना माँ मानती है, ये मेरी माँ मैं तो बेटा हूँ। जब वो श्रृंगार कर रहे थे हनुमान जी अंदर में चले गई और देखा मैया सीता श्रृंगार कर रही थी। बोले क्या श्रृंगार कर रही थी? बोले मांग भर रही थी, सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने कहा मैया ये क्या है, एक फोटा तुमने सिंदूर और ये सर के ऊपर में ये सिंदूर का एक लाइन क्या है? बोले लाला ये सुहाग का चिन्ह है। बोले मैया ये सुहाग क्या होती है? बोले स्त्रियां अपना पति पति की दीर्घायु के लिए, पति की मंगल के लिए, पति की कल्याण हो, उसकी जय जयकार दुनिया में हो, इसलिए माताएं ये श्रृंगार धारण करती हैं। बोले ये बात? बोले हाँ बेटा। अभी मैया सीता श्रृंगार करके चली गई, हनुमान जी तो अंदर में गए और जितना सिंदूर था ना सारे सिंदूर के लिए सारा शरीर में इन्होंने पोत दिए, पोत करके भरी सभा में राज दरबार लगा हुआ था। इतने में श्री हनुमान जी वहां पहुंचे और जितने अयोध्या वासी थे सबके सब ठा लगा कर हा 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 कर गाज रहे थे, देखो ये बंदर को सारा शरीर में सिंदूर कैसे लगा दिए, प्रभु राम तो सब जानते हैं। बोले हनुमान जी तुमने ये सारा शरीर में इस सिंदूर को क्यों पोत दिए? बोले प्रभु मैया सीता ने एक बूंद और एक लाइन लगाई थी, मैंने कहा इसको तुमने क्यों लगाई? बोले पति की दीर्घायु के लिए, पति की जस के लिए। अगर माता सीता एक फोटा लगाने पर, एक लाइन लगाने पर अगर आपकी इतने कल्याण हो, मेरे पति तो आप ही ना, मेरे प्रभु तो आप हो, मैंने देखा अगर सारा शरीर में सिंदूर को पोत दिया ना, भगवान की जस, भगवान की महिमा, भगवान की आयु विश्व ब्रह्मांड में फैलेगा। भगवान राम तो इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, वाह हनुमान जी की क्या बुद्धि है हनुमान जी की। एक दिन क्या हुआ, सीता
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने एक मीटिंग की, बल्कि क्या मीटिंग की, बल्कि ये बंदर दिन रात प्रभु की सेवा करता है, हमको सेवा की कोई मौका नहीं देता, दिन भर प्रभु के पास में चिपक कर रहता है। बोले एक काम करो, ये बंदर को घर से निकालो। बोले मैया सीता, अंदर की सेवा तुम्हारी और बाहर का सेवा हम तीनों भाई बांट कर कर लेंगे। इतने में हनुमान जी को बोले इधर आओ। बोले क्या बात है। बोले घर से निकलो, दिन भर चिपक करके रहता है, दिन भर प्रभु की राम की सेवा करे और हमें सेवा की मौका नहीं देता है। हनुमान जी ने कहा देखो मैं तो प्रभु के सेवा के सिवाय रह ही नहीं सकता हूँ, एक काम करो मेरे को छोटी से छोटी कोई सेवा दे दो, क्यों सेवा ही मेरा प्राण है। बोले ऐसे एक सेवा दो जो प्रभु की जो सेवा की कोई जरूरत नहीं पड़े। बोले क्या सेवा दे। बोले जब जम्भाई आए ना तुम चुटकी बजाना, जम्भाई आए तो तुम चुटकी बजाना। जानते हैं जम्भाई किसको आता है, जब शरीर में आलसता आती है, लेकिन भगवान को थोड़ी कभी आलसता आती है। बोले ये जम्भाई जब लेंगे चुटकी बजाना। बोले ठीक है, गेट को बाहर में बैठा दिए, बस हनुमान जी तो चुटकी बजाना शुरू कर दिया। बोले क्यों। बोले पता नहीं प्रभु को कब जम्भाई आ जाए, अंदर में तो है नहीं, बाहर में मैं हूँ, पता कैसे चलेगा, पहले से चुटकी बजाओ। लेकिन भगवान के अंदर में बहुत गुण है, बहुत सारी गुण भगवान के अंदर में, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ गुण भगवान की भक्त वात्सल्य, भक्तों की प्रेम में भगवान बसीभूत हो जाते हैं। इसलिए बोले ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेरा त्यागी, दुर्योधन के मेरा त्यागी, सारी दुनिया दिखाई हो, सारी दुनिया दिखाई हो, भगवान की। अभी जब हनुमान चुटकी बजाना शुरू किया ना, इतने में तो भगवान राम को जम्भाई के ऊपर जम्भाई, जम्भाई के ऊपर जम्भाई, जम्भाई खत्म ही नहीं हो। बोले भैया क्या बात, ठाकुर को इतने जम्भाई क्यों आ रही है। वैद्य को बुलाए, वैद्य ने कहा नहीं ठाकुर तो ठीक ठाक है। बोले भैया हनुमान जी कहाँ। बोले उसको तो घर से निकाल दिया, बाहर बैठा हुआ। बोले वो क्या कर रहा है। बोले चुटकी बजा रहे, वो चुटकी बजा रहा है। बोले इसलिए तो भगवान का जम्भाई आ रहा है भैया, अगर जम्भाई आएगा तो सारे सेवा बंद सब क्या। बोले भैया हनुमान की सारे सेवा को वापस दे दो। पर जब वापस दे दिया ना प्रभु का सारे जम्भाई खत्म। इसलिए बोले हनुमान तेरे जैसे भक्त जगत में कोई नहीं, भगवान तुम्हारी इतने प्रेम में बसीभूत हैं। इसलिए दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। जो हनुमान जी को ये बात बताए ना, हनुमान जी देखो भक्तों को अंदर में एक विशेष गुण जानते हो क्या, अगर किसी भक्तों को ज्यादा प्रशंसा करो ना भक्त दुखी हो जाते हैं। भक्त कभी अपना प्रशंसा सुनना नहीं चाहते, वो हर समय दूसरों को प्रशंसा देना चाहते हैं, अपना प्रशंसा कभी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। इतने में हनुमान तो दुखी दुखी हो गए। बोले नारद जी मेरे को कह रहे हो मैं भक्त हूं। बोले हाँ तेरे जैसे भक्त कोई हो सकता है, साक्षात डायरेक्ट प्रभु राम की सेवा कर रहे हो, अगर कहीं प्रभु राम से लक्ष्मण को जाना कंधे पर बैठा कर तू ले चलते हो, हैं? अगर कहीं प्रभु बैठे हुए पूछ से उनको छत्री कर देते हो, तेरे जैसे कोई भक्त हो सकता है। बोले भैया मेरे जैसे अभक्त जगत में कोई है ही नहीं, मेरे अंदर में तो भक्ति का भय नहीं। बोले क्यों। बोले जिस समय भगवान राम ये अयोध्या छोड़ करके अपना सांकेत धाम में गए, संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर प्रभु गए, लेकिन केवल हनुमान को छोड़ कर गए, केवल हनुमान को। बोले क्यों छोड़े। बोले हनुमान अगर तू जाओगे भविष्य में मेरी भक्ति को कौन प्रचार करेगा, इसलिए उन्होंने हनुमान को छोड़कर गए जगत में राम भक्ति प्रचार करने के लिए। इसलिए अगर हनुमान जी दैन्यता पूर्वक कहते हैं अगर मैं प्रभु का भक्त होता भगवान मेरे क्यों छोड़कर जाते, मैं सबसे बड़ा दुर्भागा हूँ। बोले भक्त देखोगे जाओ, तुम चले जाओ हस्तिनापुर, पांडवों को देखो, मैं तो यहाँ ठाकुर जी को सेवा पूजा कर रहा हूँ, ठाकुर जी को भक्ति करता हूँ, वहां जा करके तुम उल्टा देखोगे, वहां देखोगे ठाकुर उल्टा सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी उल्टा सेवा किसका, पांडवों को कर रहे हैं। इतने में नारद जी उठाया और बिना
और बीणा उठा करके नारद जी बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद कहाँ पहुँच गए हस्तिनापुर में देखा एक बिस्तरा के ऊपर में कृष्ण और श्री अर्जुन लेटे हुए कृष्ण का सर अर्जुन का पैर को तरफ में और कृष्ण का जो पैर अर्जुन के सर का तरफ में और अर्जुन का जो चरण को माँ लक्ष्मी सेवा कर रही थी और कृष्ण चरण को द्रौपदी पलट रही थी और उन्होंने देखा अर्जुन की रोम रोम से हैं? अर्जुन की रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा था कृष्ण कीर्तन निकल रहा था जब नारद जी वहां पर पहुंचे ना वो कृष्ण कीर्तन सुन करके नारद तो बिना बजा बजा करके नारद जी बांस कीर्तन करना शुरू कर दिया नारद जी प्रसन्न होकर के इधर उनकी रोम रोम से नाम निकल रहा है और इधर नारद जी बिना पर उन्होंने ताल के अनुरूप कीर्तन कर रहा है हैं? तब उन्होंने देखा भैया जिनकी चरण को माँ लक्ष्मी सेवा कर रही है और जिनकी रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकल रहा है इतने में श्री नारद जी बोले बोले महाराज युधिष्ठिर की जय बोले पांडवों की जय बोले प्रभु आप जैसे जगत में कृष्ण का प्यारे भगत कोई नहीं क्यों विश्व ब्रह्मांड किसकी सेवा करते हैं कृष्ण को लेकिन कृष्ण किसको सेवा करते हैं बोले पांडव को अगर कभी शांति दूत की जरूरत पड़े कृष्ण किसको दूत बनाकर के भेजते हैं भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर ठाकुर जी स्वयं जाते हैं हैं अगर एक समय पितामह भीष्म दुर्योधन ने उनको एकदम क्रोध दिला दिया बोले अगर पहले पता चलता ना आप पांडवों को नहीं मारोगे आपको सेनापति पद में हम कभी नियुक्त तो नहीं करते हैं आपको हम कभी नियुक्त तो नहीं करते सेनापति पद में इसलिए हमने बड़ी गलती की है और देख रहे हैं अर्जुन कैसे हमारे सैनियों को मार रहा है कैसे देख रहे हो उन्होंने तो बड़ी बुरी तरह से भीष्म को गाली दी इतने में भीष्म को ताव आ गया बोले चिंता मत करो कल पांडवों को मैं धराशायी कर दूंगा उनके लिए मैं 5 बाण बनाऊंगा और 5 पांडवों को मैं मार डालूंगा अभी क्या हुआ देखो अभी कृष्ण को चैन नहीं पांडव तो सो रहे हैं पांडव सो रहे लेकिन कृष्ण को चैन नहीं बोले क्यों नहीं इन्होंने गीता में प्रतिज्ञा की है कौन्तेय प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणश्यति अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का कोई विनाश नहीं है तुम प्रतिज्ञा करो अर्जुन ने कहा प्रभु तेरे भक्तों का विनाश नहीं तू ही प्रतिज्ञा करो ना मेरे से क्यों प्रतिज्ञा करवाते हो बोले भैया मैंने बहुत बार प्रतिज्ञा की है अगर मेरे भक्त कोई प्रतिज्ञा करते हैं मैं अपना प्रतिज्ञा मेरे को तोड़ना पड़ता है इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो अभी कृष्ण सोच रहे हैं भैया फिर तो मेरे प्रतिज्ञा टूट जाएगी क्योंकि महाभारत युद्ध से पहले कुंती ने अपना 5 बेटों को लाई बोले कृष्ण ये 5 बेटों को तेरे को मैं अर्पण कर रही हूँ इसलिए तू मेरे बच्चों को रक्षा करना कृष्ण ने कहा बुआ जी ये विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाए लेकिन तेरे 5 पांडव का एक बाल भी बंका नहीं होगी कृष्ण स्वयं प्रतिज्ञा की देखो ध्यान दे कृष्ण अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी की शरण में जाता है जैसे एक बच्चा पिता माता की शरण में बच्चे को कोई डर भय वो मस्ती से खेलता कूदता है बोले क्यों उनको पता है मैं पिता माता की शरण में रहता हूँ पिता माता की शरण में मैं रहता हूँ इसलिए प्रभु चरण में शरणागति की बड़ी महिमा है देखो पंच पांडव सो रहे हैं लेकिन सो रहे तो भक्त लेकिन कृष्ण को कोई चैन नहीं कृष्ण इधर से उधर इधर हो रहे कृष्ण को बेचैन नहीं सी बोले क्यों बोले भक्तों का विनाश नहीं हो जाए
इतने में कृष्ण प्लानिंग कर रहे हैं ये पांडवों को कैसे रक्षा करनी। इतने में कृष्ण आकर के अर्जुन को बोले, अर्जुन उठो, अभी सोने का समय नहीं, उठो। बोले प्रभु क्यों जगा रहे हो, दिन भर युद्ध करते करते मैं थक गया हूं, फिर कल युद्ध करना पड़ेगा, हैं? क्यों मेरे को तुम उठा रहे हो, तंग क्यों कर रहे हो। बोले अर्जुन पितामह भीष्म ने 5 बाण बनाया, कल तुम पंच पांडवों को मार डालेगा। बोले अच्छी बात है, न्यूज पेपर का हेडिंग में आ जाएगा, कृष्ण के 5 भक्त थे, बात 5 भक्त मर गए। बोले यही तो चिंता है, मैंने प्रतिज्ञा की मेरे भक्तों का विनाश नहीं। बोले प्रभु बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले एक काम करो, दुर्योधन को उन्होंने जब रक्षा की थी गंधर्वों से, दुर्योधन ने कहा था मैं तेरे को भर दूंगा, और तुमने कहा था समय आने पर मांग लूंगा, जाओ दुर्योधन का तुम ड्रेस के बोले ले आओ, ड्रेस को ले आए, बोले इसको पहन करके जाओ, और तुम अपना टोन को बदला करके पितामह भीष्म को बोलना, क्योंकि जो ड्रेस पहन लेते हैं ना जिसकी, वो लगता है जैसे वही होगा। इन्होंने टोन बदला करके बोले, देखो पितामह भीष्म आप क्यों पांडवों को मारोगे, जगत में बदनामी होएगा, एक काम करो पंच बाण 5 बाण मेरे को दे दो, मैं मार डालूंगा। पितामह भीष्म तो 5 बाण दे दिए। थोड़ी देरी बाद में दुर्योधन आया, भीष्म ने कहा अच्छा किया तुमने ये 5 बाण को ले लिया। बोले कौन सा 5 बाण है, बोले तू अभी अभी आया था ना लेकर गया। बोले नहीं। बोले फिर कौन आया था, बोले ओ इसलिए अर्जुन आकर के मेरे ड्रेस को बदला करके ले गया। देखो भगवान कृष्ण हैं, जब महाभारत युद्ध हो रहा था, कृष्ण विश्व ब्रह्मांड जिनकी आदेश को पालन करता है, लेकिन हमारे श्री कृष्ण अर्जुन कहता है, बोले कृष्ण सेन रुभर मध्य रथ स्थापय में अच्युत, हे कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ किसको किसको साथ में मेरे को युद्ध करना पड़ेगा, तो ब्रह्मांड का मालिक जिसकी आदेश को पालन करता है। क्या क्या है, क्या क्या करना है बोलो, इसलिए बताओ किसको साथ में क्या करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी कहते हैं, बोले प्रभु विश्व ब्रह्मांड सेवा करता है बांके बिहारी जी की, लेकिन ये बांके बिहारी किसकी सेवा करते हैं, बोले भक्तों की, ये पांडवों की, इसलिए अगर भक्त देखना चाहते हो, बोले क्या करो तुम चले जाओ हस्तिनापुर चले जाओ, वहीं पर देखोगे 24 घंटा ये पांडवों की घर में कैसे भगवान स्वयं रहते हैं। इतने में वहां से नारद जी उठाया अपना बीणा, बीणा उठा करके गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल वृंदावन सेवा कुंज में हरे राधे 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 हरे राध
पांडवों को बोले तुम लोग सबसे बड़े भक्त हैं। इतने में पांडवों ने बोले भैया हमारे अंदर में भक्ति का भय नहीं। हाँ भक्त देखना चाहते हो ना, चले जाओ किसको पास में, बोले श्री उद्धव जी को पास में जाओ, देखोगे कृष्ण की कितने प्यारे श्री उद्धव जी। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते उद्धव जी तू मेरे जितने प्रिय हो, बोले न तथा मैं प्रियतम आत्मज्वनीर न शंकर, बोले तू मेरे जितने प्यारे हो, कहते हैं उतना प्यारे मेरे बेटा ब्रह्मा भी नहीं। बोले ब्रह्मा की बात छोड़ दो, उतना प्यारा हरि हरे एकात्मा शंकर भी नहीं। बोले शंकर जी की बात छोड़ दो, मेरी अंक सायनी लक्ष्मी भी इतना प्यारी नहीं। बोले लक्ष्मी की बात छोड़ दो, कहते मेरे अभिन्न स्वरूप श्री बलदेव प्रभु भी इतना प्यारा नहीं। बोले बलदेव प्रभु की बात छोड़ दो, मैं भी इतना मेरा प्यारा नहीं हूँ। उद्धव जी तू मेरे जितने प्यारे हो। उद्धव जी कौन है, बोले विष्णु नाम प्रवर मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। इसलिए उनका नाम है उद्धव। उद्धव मतलब क्या, बोले उद्गत तमह जस्मात वो उद्धव, जिसने संपूर्ण रूप में तमोगुण निकल गई, विशुद्ध सत्व श्री उद्धव जी कृष्ण का मंत्री है। कृष्ण को कुछ करना है ना, उद्धव जी से परामर्श ठाकुर जी लेते हैं। इतने बुद्धिमान थे, इसी जगत में उनको पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं मिले, उनको स्वर्ग में बृहस्पति के पास में भेजी गई, इतने बुद्धि। इसलिए जब श्री नारद जी बोले उद्धव तेरे जैसे जगत में कोई भगवान की प्यारे नहीं, तुम कृष्ण के सबसे प्यारे भक्त है। बचपन में कृष्ण मूर्ति को लेकर के ऐसे खेलते थे भूल जाते थे खाना पीना, जब सोते थे कृष्ण को अपना गोद में लेकर के सोया करते थे। तू जगत का सबसे बड़े भक्त है। उद्धव जी ने कहा देखो पहले मैं यही समझता था शायद कृष्ण का मैं सबसे बड़े भक्त है, इसलिए मेरे अंदर में बड़ा अभिमान था, मेरे जैसे प्यारे जगत में कोई नहीं। लेकिन मेरे सारे अभिमान चकनाचूर हो गया जब मैंने ब्रज में गया, ब्रजवासियों की प्रेम को देख करके नंद बाबा जसोदा को। देखो इसमें इतनी कथा है ना, इतनी प्यारी प्यारी कथा, लेकिन आज हमको जाना पड़ेगा है? अभी हमें जाना पड़ेगा, हमें कल लखनऊ से कल कथा है, इसलिए अभी मेरे को किसी तरह से अभी समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए इतने उन्होंने ब्रजवासियों की देखा, नंद जसोदा की मैया जसोदा की आंखों से आंसुओं की जो झरी बह रही थी, मैया जसोदा बेहोश होकर पड़ी हुई थी, बोले कृष्ण के सिवाय कृष्ण के बगैर में और जगत में किसी को मैं देखूंगी नहीं। इनकी प्रेम को देख करके जब गोपियों की प्रेम देखा, और विशेष करके गोपियां जब राधा रानी को लेकर के कुंज को अंदर में गए, राधा रानी को कैसे कमल पुष्प की सज्जा में लेटा रखी थी और शरीर में अगुर कर्पूर चंदन की लेप की थी, राधा रानी के अंदर में जो विरह है, एक मिनट में उनकी अगुर कर्पूर चुर चुर हो रहा था। इसलिए जिनकी प्रेम को देखकर कृष्ण स्वयं एक भ्रमर बन करके उनके चरण को स्पर्श करने थे, राधा मेरी जो बात कर रही थी, जिनको देख करके उद्धव जी चकाचौंध रह गए हैं। इतना उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की ज्ञान बजाए डुगडुगी बाजे प्रेम की, जिसको देख करके एकदम होश उड़ी गई। और उद्धव जी पांच श्लोकों के द्वारा उन्होंने ब्रज गोपियों की और राधा रानी की चरण के वंदन किया है। बोले जगत में अगर किसी की जीवन धारण करना सार्थक ये ब्रज गोपियों की। हम भागवत कथा सुने ना, ये परीक्षित महाराज ने थोड़ी समय में माँ उत्तरा को ये कथा उन्होंने सुनाई, यही भागवत का सार है। अगर हमारी भावना ब्रज भक्तियों में गोपियों की प्रेम, गोपियों की प्रेम में राधा रानी के चरण की अगर एक धूल अगर हम बन पाए, समझो ये जीवन
करना हमारी सार्थकता है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ, सबके सब किसकी नाम लेते हैं, जोर से बोला और जोर से बोला, हाँ, इसलिए सबके सब श्री राधा रानी की वंदना करते हैं। हमारे मंदिर के हमारे पंडित प्रभु पंडित जी आए हैं, क्या कुछ बोलना है, कुछ बोलेंगे प्रभु जी, आप कुछ बोलोगे? 10 बजे की रुद्र मारुतः दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यश्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। परम श्रद्धे भक्ति वेदांत श्री श्रीधर जी महाराज इस भागवत कथा के आयोजक, भगवान की परम भक्तिमय मूर्ति उर्मिला और उनके साथीगण, प्रिय भगवत श्रोताओं, ये लगाओ कि मेरा है आना और इस कथा में बाधा डालना है, इतना अब रसीला सत्संग इस कथा का श्रवण पान कर रहे थे महाराज जी के श्रीमुख से। महाराज जी ने भी बताया कि वृंदावन जाते हो तो क्या बोलते हो, राधे राधे। और महाराज जी का नाम आपको पता है क्या नाम है, श्रीधर। और श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम श्री जी कहकर के ही महर्षि वेदव्यास जी ने संबोधित किया है पहले श्लोक में, श्री कृष्णाय वयम नमः, यह संबोधन किया श्री जी का। और पूरी भागवत में कहीं भी अगर उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है श्री जी के साथ तो यहीं पर है। तो इनके हृदय में तो भक्ति की चैतन्यता वैसी प्रवेश कर गई क्योंकि श्री जी को धारण कर रखा है इन्होंने। महाराज जी का नाम है श्रीधर, जिन्होंने राधा जी को धारण कर रखा हो तो कृष्ण जी तो स्वयं राधा जी के अंदर ही प्रवेश रहते हैं, तो महाराज जी के हृदय में दोनों ही हो गए। मैंने बोर्ड पर नाम पढ़ा महाराज जी का तो उसमें मैंने देखा श्रीधर, तो मैं विचार करने लगा कि इतना सुंदर नाम महाराज जी का है जिन्होंने श्री जी को धारण कर रखा हो, और भगवान श्री जी के बिना रह नहीं सकते, तो जहां श्री जी होती है वहां भगवान स्वयं रहते हैं, तो महाराज जी साक्षात श्रीपति की मूर्ति है। बहुत सुंदर आप इस कथा को श्रवण पान कर रहे थे, मैं सभी को प्रणाम करता हूं क्योंकि ये भक्तगण है जो भगवान को प्रकट करते हैं, भगवान को बुलाते हैं। जितने भगवान के अवतार की आपने कथा श्रवण की होगी वो सब इस भक्ति के मार्ग से हुई है, और इसलिए आप वो भक्ति की मूर्ति हैं जो भगवान को प्रकट करने की, उस निराकार को साकार करने की आप शक्ति रखती हैं, ताकत रखती हैं। ऐसा आनंद उस समय आ रहा था जब मैं महाराज जी कथा कर रहे थे, आप लोग उत्सुक होकर के महाराज जी की मुखारविंद की तरफ देख रहे थे, प्रभु कर पंकज कपि के शीशा देखी दशा मगन गौरीशा। हनुमान जी के सर के ऊपर
राम जी के कर कमल को देख करके, शंकर जी जो उनकी प्रसन्नता को देख रहे थे कि हनुमान जी कैसे उन्मुख होकर के राम जी की ओर देख रहे हैं, और राम जी ने अपने हाथ हनुमान जी के शीश पर रखे हुए हैं, और उस दशा को कौन देख रहे हैं? शंकर जी। जैसे महाराज जी की कथा आप लोगों के श्रवण रंध्र तक पहुंच रही थी और आप उन्मुख होकर के महाराज जी की मुखारविंद की तरफ देख रहे थे, तो जो आपके प्रसन्नता का जो भाव था महाराज जी के वक्तव्य का और आपके श्रवणों का, वही मुझे भगवान शंकर से प्रेरित कर रहा था कि शंकर भगवान बहुत कथा के रसिक हैं और उस दशा को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और भगवान शंकर विद्यमान है लेकिन वो अपने वहां दिखा नहीं रहे कि मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन अंदर से देख रहे हैं कि किस प्रकार हनुमान जी के सिर के ऊपर भगवान के हाथ है, और हनुमान जी की जो दशा थे वही दशा आप लोगों की समय हो रही थी जब महाराज जी की कथा आप सुन रहे थे। ये जो कथा आप सुन रहे हैं ये साधारण कथा नहीं है। इस कथा के विषय में श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम लभते पुरुषो यदा वही। एक जन्म की बात नहीं है, जब बहुत जन्मों के पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं, भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम लभते पुरुषो यदा वही, तब सत्संग मिलता है। आप लोगों को यह सत्संग मिला है, अब देखिए कि आप लोगों को तो मिला है और जिन्होंने आयोजन किया हुआ है उनके कितने पुण्य पुंज होंगे आप इसका गणित नहीं लगा पाओगे। आप जिन्होंने इस आयोजन को करने में कितनी मेहनत की होगी, तो ये मेहनत किया है, ये पुण्य पुंज है। अब देखिए, एक पुष्प हाथ में लीजिए और एक बुक हाथ में लीजिए, गुलदस्ता जिसको पुष्प पुंज कहते हैं, कितने सारे होते हैं, तो इतने सारे पुण्य हैं उनके, तब इस सत्संग मिला है। और इस सत्संग की तुलना न बैकुंठ से है, न स्वर्ग से है, न मुक्ति से है। कई बार तराजू लगी है, स्वर्ग लोक में तराजू लगी, ब्रह्म लोक में तराजू लगी कि सत्संग में ऐसा है क्या। ये सुखदेव जी महाराज राधा परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे थे तो देवता लोग अमृत कलश लेकर के पहुंच जाते हैं। सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ाई और कहा, क्या बदला करने आए हो कि अमृत के बदले कथा, क्वे कथा क्वे सुधा लोके क्वे काचे क्वे मणिर महान। अरे हीरे की तुलना कांच से कर रहे हो, सुधा को बताया कांच और कथा को बताया हीरा। तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास चले गए कि ऐसी भागवत की कथा में क्या है जो सुखदेव जी महाराज ने हमारी ऐसी हंसी उड़ाई। तो ब्रह्मा जी ने वहां तराजू लगाई और तराजू में एक तरफ सारे वेदों का सार और ग्रंथों का सार रख दिया गया और एक में भागवत का इस सत्संग के सार को रखा गया, तो सारी चीज मिलकर तोल नहीं सकी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तुल्यताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग का जो फल है वो सारे सुखों को नहीं तोल सकता। कोई व्यक्ति स्वर्ग की आकांक्षा करता है, कोई मुक्ति की आकांक्षा करता है, कोई वैकुंठ की आकांक्षा करता है, मैं कहता हूं कि वो जो सारा सुख है, जो सुख आनंद जो आपको आ रहा है, इससे सब छोटे हैं, सब सुख छोटे हैं। तो आपको जो सुख मिला हुआ है ये आपके बहुत प्रारब्ध के पुण्य है। भाग्य उदयन बहुत जन्म समर्जितेन सत्संगमम लभते पुरुषो यदा वही। तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं इस आयोजक कमेटी को, आप लोग श्रोताओं को, भक्तों को, कि आप लोगों ने
ऐसे पुण्य प्रताप से आज महाराज जी के श्रीमुख से 7 दिवस से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और महाराज जी को प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करता हूँ कि प्रभु मैंने आपके रस में विष मिला दिया, तो कृपा करके पुनः आप इस कथा को उस रसमयी धारा को प्रवाह करें। सभी का धन्यवाद। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत दयाल प्रभु जी की, इनका नाम ही भागवत है। हरे कृष्ण। देखो हम लोग ने 7 दिन तक कथा सुनी है, नियम है कथा से कुछ लो और कुछ दो। बोले भैया ले क्या और दे क्या? बोले भगवत भक्ति को लो और गंधी चीज को दे दो। बोले गंधी चीज क्या है? जिसमें भागवत में जिसको परीक्षित महाराज कली को 4 जगह पर स्थान दे दिया, इसलिए ये 4 चीज को हमें त्याग देनी चाहिए। पहला नंबर है दुतम। दुतम मतलब होता है जुआ, इसलिए जीवन में कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण सत्य है, जो जुआ खेलते हैं कभी सच नहीं बोल सकते हैं। दूसरी मतलब पानम। पानम मतलब होता है किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु को मत लिया करो, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। देखो अभी ऐसे एक युग आ गया ना, अगर कोई शादी विवाह में शराब मत पिलाओ, बोले ये कौन सा शादी विवाह है जिसमें तुम शराब नहीं पिलाया? लेकिन देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे ये जो शराब पीते हैं ना उनको 3 लाभ है। बोले 3 लाभ है? बोले क्या है? बोले पहला नंबर वो बूढ़ा नहीं होगा, बोले दूसरे नंबर में घर में चोरी नहीं होगी, तीसरे नंबर कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले मतलब पहला नंबर बूढ़ा नहीं होगा? बोले बूढ़ा कब होगा? जिंदा रहते तो बहुत बूढ़ा होगा ना। मैं जाता हूँ रसिया में प्रचार करने के लिए, वहां पर देखता हूँ ज्यादा लड़की लड़कियां वहां पर है, बहुत वहां पर बूढ़े देखता हूँ, पुरुष बहुत कम है। मैंने कहा भैया यहाँ पर इतने सब स्त्रियां क्यों है? बोले यहाँ पर सबके सब शराब पीते हैं और शराब पी पी करके आधा उम्र में खत्म हो जाते। मेरे पास में एक माता जी माला लेने के लिए आई थी, उनकी 2 बच्चे थे। मैंने कहा भैया ये बच्चों का पिताजी कहाँ? बोले मर गए। बोले क्यों? बोले पीते थे, वो पीते थे ज्यादा, इसलिए बाद में दोनों लिवर खराब पास। इसलिए भैया पहला लाभ है क्या है? वो बूढ़ा। दूसरा लाभ क्या है? दूसरा लाभ है चोरी नहीं होगी। बोले भैया चोरी कब होगा? भैया सामने खड़े हुए, भैया बैठ जाओ बैठ जाओ। दूसरा नंबर है चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर देगा, चोरी कहां से होगी। तीसरा नंबर में कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे मतलब कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा और उसको कुत्ते आकर मुंह चाट कर जाएगा। इसलिए ये शराब को नहीं पीनी चाहिए। इसलिए देखो आप लोग बुरा मत मानो, मेरे पास में एक माता जी आई, बोले बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। बोले क्यों दुखी हो? बोले जब से शादी किया ना पति तब से शराब पीता था और शराब पी करके रोज आए घर में लड़ाई झगड़ा करे और वो शराब पी को देख करके शराब पीना शुरू कर दिया, मेरा बेटा भी शराब पीना शुरू कर दिया। क्यों? पिता जो करेंगे बच्चे तो वही करेंगे ना। इसलिए जितने लोग है ध्यान देकर सुनो, ऐसे कोई काम मत करे जो कि हमारा बच्चे के ऊपर कोई बुरे संस्कार पड़े, बुरे संस्कार पड़े। इसलिए शराब पीने से पहले 1000 बार सोचो, हमारे बच्चे तो इसे नहीं बिगड़ेंगे, ये चीज को सोचो। इसलिए जितने माताएं भी पतियों को शराब पीने नहीं देना सकते। और शादी विवाह में देखो एक संत कह रहे थे कभी बच्चों का बर्थडे में नहीं तो शादी में पता नहीं कितना बोतलों तुड़वा देते हैं, कितने जानवर को हत्या कर देते हैं। वो संत कह रहे थे बोले भैया जिस बच्चे के बर्थडे में जिस शादी में तुमने इतने बोतलों तुड़वाया और इतने तुमने जीव हिंसा की, वो बच्चे का कभी कल्याण होगा? वो संत कह रहे थे, राम भद्राचार्य नाम सुनेंगे बहुत बड़े संत है, वो कह रहे थे बच्चे 100 होगा ना उसी समय में झट 50 में आ जाएगी, क्योंकि जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्म कर रहे हो। इसलिए कोशिश करो ये सब गंदी चीजों को छोड़ करके शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करने के लिए। तीसरे नंबर है स्त्रियों।
इसलिए स्त्रियों मतलब बोले स्त्रियों को परे कली का निवास, बोले भैया कौन सा स्त्री है, बोले जो स्त्रियां बगैर शादी के पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुषों से मिलते हैं, संसार करो शादी शुदा करके धर्म पत्नी को साथ में अपना घर गृहस्थी बैठाओ, ऐसे नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर घूम रहे हो। आप भागवत पढ़ करके देख लो मरने का बात उनका क्या सजा मिलती है जो बगैर शादी के गलत काम करते हैं, स्त्री एक मूर्ति बनाते हैं एकदम लोहे की चलते हुए उसको आलिंगन कराते हैं, पंचम स्कंद में पढ़ लो, इससे पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथे नंबर है कहते जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन आदि नहीं ग्रहण करके शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करो। इसलिए चार चीज को छोड़ो, बोले चार चीज को जोड़ो, बोले चार चीज को क्या जोड़ेंगे, पहला नंबर है हर घर घर में ठाकुर जी की जरूर ठाकुर जी का विग्रह होनी चाहिए, लड्डू गोपाल हो नहीं तो सीताराम हो नहीं तो लक्ष्मी नारायण हो राधा कृष्ण हो, जिसको जिस गुरु से जो मंत्र मिला हुआ है उसी मंत्र के अनुरूप घर में जरूर ठाकुर को सेवा पूजा करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग में भगवान दो रूप में आए, एक विग्रह रूप में और एक नाम रूप में, ये दो रूप में जीव का कल्याण होती है। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। इसलिए एक समय अयोध्या में कोई एक संत थे जिनकी राम दरबार था और वहां पर उनकी एक छोटा सा बच्चा था जो कि शिष्य जिसका नाम था रामदास। एक दिन गुरु जी ने कहा बेटा मेरे को कुछ दिन के लिए बाहर जाना तो ठाकुर का सेवा पूजा कर लोगे, गुरु जी का आशीर्वाद हो तो जरूर कर लूंगा, बोले देख बेटा अच्छे तरह से खिलाना, बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो आप जाओ। गुरु जी चले गए, उसने भिक्षा मांग कर लाए रोटी सब्जी बनाए ठाकुर जी के सामने धर दिया, बोले ठाकुर जी खाओ भोग लगाओ। लेकिन वो एकदम छोटा बच्चा था, वो कभी देखा नहीं ठाकुर को खाते हुए भोग लगाते हुए, वो सोचता था ठाकुर सचमुच से बैठेंगे भोजन करेंगे, लेकिन देखा ठाकुर जी भोजन ही नहीं कर रहे। बोले आप क्या नाम है, गुरु जी के हाथ में तो खाते थे आज क्यों नहीं खा रहे हो, इतने में उसने रोना शुरू कर दी। बोले अगर ना मैं ये सरज में आत्महत्या कर दूंगा, जब जा रहा था ना भगवान हिल गए, बोले हनुमान जिसको पकड़ करके लाया, बोले ठाकुर जी खाना खा रहे। देखा सचमुच से ठाकुर जी खाना खा रहे। कुछ दिन बाद में बोला ठाकुर जी अकेले मेरे से हो नहीं पा रहा है, भिक्षा लाओ रसोई बनाओ लकड़ी लाओ। बोले क्या करना पड़ेगा, बोलो हम मदद करेंगे। बोले आप तो घर की पिता हो आप बना दो। लक्ष्मण बोले मुझे क्या करना पड़ेगा, बोले जंगल से थोड़ा लकड़ी ले आओ। बोले भैया पहले तो मैं ही किया करना पड़ेगा, बोले और जितने सारे सेवा को आप देखभाल करना। मैया बोले बोले मैया का काम है रोसी बनाना, बोले भैया जंगल में तो यही काम की, वो केवल भिक्षा ले आता है। माँ लक्ष्मी बड़ी सुंदर भगवान रोसी बनाते हैं। कुछ दिन बाद में गुरु जी की लेटर आया, बोले बेटा रामदास मेरे साथ में कुछ संत आ रहे हैं, केवल एक टाइम के लिए तू व्यवस्था कर दे, मैं आकर के व्यवस्था कर दूंगा। उन्होंने माता सीता को बोले लेटर आया, बोले बेटा कोई चिंता मत करो ज्यादा तो भिक्षा करके ले आ दूंगी। तब उन्होंने देखा माँ लक्ष्मी कोण में बैठ के रसोई बना रही है और गुरु जी को देख करके ना थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी मुस्कुराई और अंतर ध्यान हो गई। गुरु जी बोले बेटा ऐसे कैसे हो गई, बोले गुरु जी जब आप चले गए ना ठाकुर खाना नहीं खा रहे थे और मैंने सरोज में जब आत्महत्या करने के लिए गया ठाकुर जी खाना खाए, मैंने कहा अकेले नहीं कर सकता हूँ सब पूरा राम करते हैं। बोले बेटे ऐसे चेले को पा करके मेरे जीवन भी धन्य हो गया है। इसलिए ठाकुर जी को घर में रख करके मत समझो इतनी बैठा कर रख दिया, नहीं ये भगवान स्वयं है। इसलिए अगर इनकी सही सही पूजा करोगे ना ठाकुर साक्षात बोलते हैं। इसलिए कहते हैं ना कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं सबरी के जैसे तुम, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं तुम, भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन भक्ति करके करो तो सही तब तो ठाकुर करेंगे। इसलिए पहला नंबर है क्या करो, हर घर में ठाकुर जी हो। आप ठाकुर को देख लेना जितने सुंदर ठाकुर को सेवा करोगे जितने सुंदर श्रृंगार करोगे ना, जैसे अपना शरीर को सुंदर सजा दो शीशा के सामने खड़े हो जाओ परछाई अपने आप सज जाती है,
जो जितने घर में ठाकुर को जितने अच्छे भोग लगाओगे, खाना खिलाओगे, श्रृंगार करोगे, ऐसे नहीं अपना बच्चे के लिए तो महीना महीना में कपड़ा लेते आते हैं। ठाकुर जी 10 दिन से एक कपड़ा पहन कर बैठे, ऐसे नहीं अपना बच्चे के लिए लाने से पहले, अपना लिए साड़ी लाने से पहले देखो ठाकुर के लिए है कि नहीं। सबसे पहले ठाकुर जी ठीक है ना, ऐसे नहीं प्याज लहसुन डाल डूल कर खा रहे हो, ठाकुर जी को पाता से थोड़ा दूध भोग लगा दिया, कभी ऐसे नहीं करनी चाहिए, पर ठाकुर जी ठोकर मारेंगे। इसलिए प्याज लहसुन को त्याग दो, शुद्ध रूप खाना बनाओ और भगवान को भोग लगाओ, घर में सबको खिलाओ, बस ठाकुर खुश रहेंगे तो आप भी संसार में फलते फूलते रहोगे। दूसरे नंबर है तुलसी की पूजा घर में होनी चाहिए। भगवान कलयुग में ये तुलसी वृक्ष रूप में भगवान आए हैं, हर घर पौधा होनी चाहिए, हर गले में जरूर तुलसी की हम लोग माला पहनो, पहले मैंने बहुत कथा सुनाई। तीसरा है एकादशी व्रत जरूर करना। कौन कौन करते हो हाथ उठाओ तो देखो, कुछ कुछ माताएं करती, अच्छी बात। जो लोग नहीं करते हो, अभी एकादशी आ रही है, 8 तारीख को गीता जयंती में जरूर आप लोग एकादशी व्रत करना। एकादशी को बताइए कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब ऐसे कोई चीज नहीं जो एकादशी नहीं दे सकती है। एक व्रत का नाम पुत्रदा, जिसको करने से पुत्र आता है। एक एकादशी का नाम अर्णदा, एकादशी करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। एकादशी की कथा आती है, जरूर आप लोग एकादशी व्रत रखियो। एकादशी का दिन अर्ण में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, ये सारे पाप एकादशी का दिन अर्ण में रहता है। इसलिए जो व्यक्ति एकादशी का दिन अर्ण भोजन करते हैं, सारे पाप को भुगतना पड़ता है। इसलिए आप लोग एकादशी व्रत जरूर रखना। और जो चौथा चीज है, भगवान का नाम है, क्योंकि भागवत का जो सार है वो भगवत नाम है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो प्रारंभ करते हैं वो नाम से शुरू करते हैं, और जो अंतिम जो श्लोक है ना, आप लोग एक बार मेरे साथ में बोल दो, बोले नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ये भागवत, ये परिवार, पत्नी से पूछा बोले दरवाजे तक चलूंगी, बोले कहां तक आगे नहीं, लेकिन जो चौथी जो थी वो कौन थी, भगवान का नाम, जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करके रखा, लेकिन अंतिम समय पूछा तो केवल वही जाने के लिए तैयारी हुई, और कोई भी जाने के लिए तैयारी नहीं हुई। इसलिए भगवान के नाम जरूर करना। कल मैंने बताया था जिसकी इच्छा एक एक माला जरूर ले, भले ही प्याज लहसुन खाते हो, भले ही तुम मांस मछली भी खाते हो, दारू भी पीते हो, लेकिन एक एक माला लेकर, हम तुलसी माला नहीं नीम माला देंगे, इसको लेकर जप करो। जब आप एकदम शुद्ध हो जाओगे, अरे तुलसी माला लेकर के भगवान की भजन करियो। ठीक है, अभी हम कथा को यही विश्राम दे रहा हूँ, अब तुम जो कुछ बोलना चाहो बोलो। हाँ, कहाँ है कृष्ण, तैयारी है? ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ देखो, हाँ देखो, 2 मिनट आप लोगों को सब आशीर्वाद देता हूँ। अभी कृष्ण रुक्मिणी सुदामा जी आ रहे, ध्यान देकर सुनो। देखो ये जो भागवत कथा है, अभी हमारे पंडित जी थे, ये भागवत कथा की इतना महिमा, ब्रह्मा जी जब तराजू लेकर के उन्होंने मापा, एक तरफ में तो सारे सुख को रख दिया, स्वर्ग से लेकर के मोक्ष तक सारे पुण्य को, लेकिन दूसरे तरफ में भागवत कथा को रख दिया तो वो हो गया पल्ला भारी। इसका मतलब भागवत कथा किसी चीज को बराबर नहीं कर सकते। इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा में कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, आप लोगों ने हर तरह से ये भागवत में सेवा की। इसलिए आप सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी खूब आपको शांति सुख दे, घर में खूब फलते फूलते रहो और आप लोगों का जीवन कल्याण हो। इसलिए